storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And सो हाय हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस ग्रैंड दिन के अंदर, दी ग्रैंड फिनाले के अंदर। दोस्तों मेरा नाम है A2 गेमर और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हॉकाई प्रीमियर लीग सीजन 1 के द ग्रैंड फाइनल के मैच के अंदर। दोस्तों आज का ये मुकाबला बस कुछ ही पलों में स्टार्ट होने वाला है। दिल थाम के बैठेगा, कुर्सी की पेटी बांध के बैठेगा। फिलहाल आज हमारे साथ इस फाइनल को, इस द ग्रैंड फाइनल के अंदर मचाने के लिए, जलवा दिखाने के लिए, कहर ढाने के लिए कुल मिलाकर 12 टीमें जुड़ चुकी हैं। 48 खिलाड़ी, 12 टीमें, बैक टू बैक 5 मैचेस। कौन से वो 5 मैचेस हैं मैं आपको फटाफट से एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। दोस्तों पहला मैच आपको देखने को मिलेगा बरमूडा, दूसरा परगेटरी, तीसरा कलहारी और चौथा मैच होगा एल्पाइन, उसके बाद होगा नेक्स्ट्रा। तो दोस्तों जिसने भी अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया वो फटाफट से लाइक कर दो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने सभी गिल्ड मेंबर के साथ, अपने हर एक स्क्वाड के बंदे के साथ, क्योंकि आज है फाइनल्स। आज लाइक भी ज़्यादा होना चाहिए और कॉमेंट्स में भी सबको मचाना चाहिए। लेकिन फिलहाल दोस्तों आज जो टोटल 12 टीम्स हैं हमारे साथ वो रहने वाली हैं द एटम्स, वॉर हॉकी स्पोर्ट्स, डेथ लॉर्ड ई स्पोर्ट्स, उसके बाद स्लॉट 4 में हॉक आई, स्लॉट 5 में गॉड ई स्पोर्ट्स, स्लॉट 6 में अकात्सुकी ऑफिशियल, उसके बाद 7वें में IITians बैठे हैं और स्लॉट 8 के अंदर A2 ई स्पोर्ट्स रहने वाली है और उसके बाद स्लॉट 9 के अंदर डेडलॉक ई स्पोर्ट्स, उसके बाद 10 पसीतो, 4 रिसॉल्टर और X2 रसर। ये कुल 12 टीमें आज के इस मुकाबले के अंदर हम सब के साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों तो लेट्स गेट इट स्टार्ट, बिना किसी देरी के आज का ये पहला मैच स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वो धुरंधर हैं, ये वो शेर हैं जो क्वालिफायर्स में कई टीमों को, कई बेहतरीन टीमों को मात देकर सीधा फाइनल्स की ओर आए हैं। तो देखना ये होगा कि कैसा रहता है आज का ये मुकाबला। फिलहाल आज का ये पहला मैच हो चुका है प्रारंभ, लेट्स सी विच टीम इज गोइंग टू विन दिस मैच। आज का ये पहला मैच बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मैच रहने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक 5 मैचेस होंगे और जो पहले मैच में सबसे बेहतरीन लीड बनाएगा, जो पहले मैच में सबसे ज़्यादा किल पॉइंट्स निकाल कर दिखाएगा, उसके लिए ही अगले अपकमिंग जो 4 मैचेस रहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसान हो जाना वाला है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इन 12 टीमों में से कौन सी वो टीम होगी जो यहाँ पर पहले मैच के अंदर हाईएस्ट किल निकालती है, टीम्स को जल्दी जल्दी इनिशियल निकाल के उनको वाइप आउट करके बैक टू द लॉबी भेजती हुई नजर आएगी। बट एक से बढ़कर एक टीम, एक एक के धुरंधर खिलाड़ी, एक से बढ़कर एक शेर से लेके बब्बर शेर तक सब मौजूद हैं आज के इस मुकाबले के अंदर। शेयर कर दो दोस्तों सारे बंदों के साथ स्ट्रीम को फटाफट से, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया उन लोग लाइक कर दे, ताकि सब्सक्राइब कर दे, ताकि मचाओ जलवा दिखाओ कह ढाओ। फिलहाल आज का ये पहला मुकाबला हॉकी प्रीमियर लीग सीजन 1 का द ग्रैंड फाइनल का ये मुकाबला हो चुका है, इसी के साथ यहाँ पर प्रारंभ। तो लेट्स गेट इट स्टार्ट दोस्तों,
आज का ये मैच बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। लेट्स सी, फिलहाल आज का ये फर्स्ट मैच किस टीम के नाम रहने वाला है। यहां पे सभी खिलाड़ी पूरी तरीके से मौजूद। पाथ ऑफ द प्लेन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पाथ ऑफ द प्लेन फिलहाल यहां पर कैपेटाउन से स्टार्ट हुआ और ग्रेवयार्ड की तरफ जाता हुआ खत्म होने को हमें देखने को मिल पाया है। फिलहाल यहाँ पे सभी की सभी टीमें अपने अपने फेवरेट लैंडिंग स्पॉट की ओर जा रही है। टीम नंबर वन की बात करें तो यो ऑब्जर्वेटरी कॉटलिस्टवा के अंदर द एटम्स उतरती हुई हमें देखने को मिल पा रही है फिलहाल। साथ ही साथ यहाँ पर टीम नंबर टू अगर हम वार हॉकी स्पोर्ट्स की बात करें तो आरसीआर, हिम्स, वाइपर, बिनीत उतर रहे हैं। थोड़ा हैंगर, जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा हैंगर, थोड़ा सा ऑब्जर्वेटरी कॉटलिस्टवा कन्फ्यूज हैं ये, क्योंकि दोनों तीनों तरफ टीमें जा चुकी हैं। हैशटैग पब्लिक लगा रही है, चैट में मचा रही है। फिलहाल टीम नंबर थ्री की अगर मैं बात करूँ डेडलॉट ईस्पोर्ट्स की, तो यहाँ पर वो टीम भी उतर चुकी है कैपेटाउन के अंदर। लेकिन यहाँ पर इसी बीच टीम नंबर टेन का यहाँ पर इनिशियल नॉक निकल चुका है। इनिशियल नॉक यहाँ पर टीम के नाम निकल चुका है। फिलहाल एक किल निकाला है अकात्सुकी ऑफिशियल ने, और अकात्सुकी ऑफिशियल के काजू यहाँ पे फिलहाल काफी ज्यादा लो एचपी पे है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर बैक टू बैक ट्रिपल किल निकाल दिया अकात्सुकी ऑफिशियल ने, अनबिलीवेबल तरीके से, अमेजिंग तरीके से, काफी बेहतरीन तरीके से। वेनम एफएफ लास्ट मैन सोलो सर्वाइवर और रिसोल्टर एंड ए टू ईस्पोर्ट्स के नाम का हैशटैग बहुत जोरदार तरीके से लग रहा है चैट में। व्हाइट लॉर्ड नरूटो यहाँ पे, फोर सॉल्टर हॉक बीस्ट सासुके चैंप परसू बीस्ट वॉर मशीन के नाम का हैशटैग लग रहा है। बाकी के समर्थक कहाँ हैं आज, बाकी के लोगों के चाहने वाले कहाँ हैं आज? वेयर आर दी बट मीन वाइल यहाँ पे कुछ और हम देखें ना देखें, फोर सॉल्टर की फाइट अवश्य देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल सासुके इज द लास्ट मैन सोलो सर्वाइवर फ्रॉम हिज टीम साइड, इकलौता खिलाड़ी है, आखिरी बंदा है, आखिरी उम्मीद है, और वेनम एफएफ भी लास्ट मैन सोलो सर्वाइवर, यानी कि फोर असॉल्टर और दस वसीदों की हवा बिल्कुल टाइट। वेनम एफएफ के लिए सामने पूरे चार बंदे, और यहाँ पर एक फ्रैंक को टेक डाउन कर दिया जा चुका है। वन मैन डिसएडवांटेज फॉर द टीम साइड, यहाँ पर जिस बंदे को मारा उसका किल तो चलो एटलीस्ट ले लिया, बट चार किल अकात्सुकी ऑफिशियल शुरुआती पलों में ढेर सारे किल्स के साथ। अपनी जो दबदबा है ना, जो अपना यहाँ पर जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से साबित करती हुई अकात्सुकी। वहीं दूसरी ओर सासुके के खाते में दो किल, और ये खिलाड़ी सोलो सर्वाइव कर रहे हैं। इनके लेफ्ट साइड पे भी बंदे, राइट साइड पे भी बंदे, लेकिन उसी बीच टीम नंबर 12 अगर एक्स टू रसर की हम बात करें तो इस टीम के पास भी तीन किल है, लेकिन सिर्फ दो खिलाड़ी यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। और टीम नंबर 9 इनके पास चार किल है, पूरी की पूरी एक स्क्वाड को वाइप आउट कर दिया इन खिलाड़ियों ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये टीम नंबर 3 थी, मतलब कि डेडलॉट ईस्पोर्ट्स भी बैक टू द लॉबी जा चुकी है। टीम नंबर 10 जो कि दस पस्की तो थी, ये भी बैक टू द लॉबी जा चुकी है। सासुके सोलो सर्वाइव कर रहे हैं और इनके पास खिलाड़ी आ चुके हैं। द लास्ट मैन एंड द लास्ट होप फ्रॉम द फर्स्ट मैच जा चुके हैं सीधे फोर असॉल्टर बैक टू द लॉबी। एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज यहां पे बैक टू बैक इन तीनों टीमों के लिए, एक बहुत ही ज्यादा घाटे का सौदा कर दिया इन टीम ने क्लैश लैंडिंग करके। हमें आजा बिल्कुल साफ भुगतना पड़ रहा है। टीम नंबर 3 डेडलॉट बैक टू द लॉबी, टीम नंबर 10 दस पसी तो बैक टू द लॉबी, टीम नंबर 11 यहां पे फोर असॉल्टर जा चुकी है बैक टू द लॉबी। अब इस मुकाबले के अंदर यहां पे मौजूद रहने वाली है एक्स टू रसर, उनके साथ यहां पे रहने वाले हैं डेडलॉक ई स्पोर्ट्स, और यहां पे ए टू ई स्पोर्ट्स की टीम भी अभी मौजूद है जो कि ब्लू जोन के इलाके के अंदर है। बात करें अगर IITians की तो पीक के अंदर ये टीम उतरी है, सेंटर ऑफ द जोन रहने वाली है। किल्स तो फिलहाल नहीं है, लेकिन ये किल्स के लिए जानी जाती है टीम। कंटिन्यू यहाँ पर इनके द्वारा में किल्स भी देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल अकात्सुकी हाईएस्ट किल के साथ अपना दबदबा बनाती हुई आज के इस मुकाबले के अंदर। लेजेंड मोनू, फ्रैंक, काजू, यहाँ पे टोटल चार किल टीम के नाम, पूरी की पूरी एक टीम को बैक टू द लॉबी किया है। देखो एक होता है आप किल्स कर रहे हैं और एक होता है आप टीम को इलिमिनेट कर रहे हैं, तो अकात्सुकी ने ना एक टीम को कम करा है, कहीं ना कहीं अपना कंपटीशन खत्म करा है, कहीं ना कहीं एक अपना जो पहाड़ रूपी संकट हो सकता था उसको यहां पर मिटाने का कार्य करा है। तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा, लेकिन इसी बीच यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन शॉट होने के द्वारा हमें देखने को मिल चुका है। यहां पर तीन किल टोटल टीम के खाते में आते हुए टीम नंबर 5 यहां पर गॉडी स्पोर्ट्स मचाती हुई जलवा दिखाती हुई कहड़ाती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल दोस्तों। ये बढ़ेंगे अगली टीम की ओर, लेकिन फिलहाल यहाँ पर टीम नंबर 2 वहां से सीधा बैक ऑफ कर गए वार हॉकी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, क्योंकि अगर वहां पे रहते तो समाप्त हो जाते। ये आज का पहला मुकाबला है जो कि इतना इंटरेस्टिंग, इतना मजेदार हो रहा है। सोचो अपकमिंग चार मैचेस में कितना खतरनाक खेलेंगी ये टीमें,
ये वही टीमें हैं जिनको आप क्वालिफायर राउंड्स के अंदर देख रहे थे दोस्तों। लेकिन फिलहाल अगर मजा आ रहा है तो जरूर से लाइक ठोकना, गो फॉर 50 लाइक्स एवरीबॉडी। मेरे जितने भी भाई बंधु मौजूद हैं आज के स्ट्रीम में, सब लोग लाइक कर दो, सब लोग सब्सक्राइब कर दो। एम करते हैं 50 लाइक का फाइनल्स के अंदर, 100 कर दोगे तो ये आपका बहुत ज्यादा प्यार है। फिलहाल देखते हैं, यहाँ पे हैशटैग लग रहा है हॉकआई के लिए। रॉटेक FF आपका भी स्वागत है, मेहदी निशा आपका भी स्वागत है, अरसन सिद्दीकी, साइवलस, माथुर व्लॉग्स, उत्सव भाई, सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस यू कैन आल्सो चेयर अप फॉर योर फेवरेट टीम, हैशटैग लगाओ, जलवा दिखाओ अपने टीम के लिए, कह ढाओ चैट बॉक्स के अंदर, क्योंकि आज कमेंट बॉक्स टोटली आप सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 2 किल के साथ द एटम्स की टीम। बात करें अगर हॉकआई की तो हॉकआई अभी भी मौजूद है, लेकिन किल्स अभी नहीं है, इनका खाता अभी नहीं खुला है। कहीं ना कहीं 3 खिलाड़ी एक साथ, चौथा जॉट जाट पीछे की ओर मौजूद। आप लोग जिसके लिए सबसे ज्यादा हैशटैग लगाओगे ना, उसको मैं सबसे ज्यादा प्रियोरिटी देने का प्रयास करूंगा, उसको ही मैं सबसे ज्यादा दिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज का ये ग्रैंड फाइनल्स का मुकाबला, 2500 रुपए का एक बड़ा प्राइस पूल, कौन सी वो टीम होगी जो लेकर जाएगी, ये देखने वाली बात होगी, काफी इंटरेस्टिंग होगा ये। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जॉट जाट, फिन्नू, नरेश, दुर्गेश मौजूद है, केनिची, धोनी, डेविल, जतिन एक नया जीवनदान पाकर वापस से मुकाबले के अंदर आते हुए। लेकिन भाई भी इसी बीच अकात्सुकी आईआईटेंस के साथ फाइट लेती हुई, दो दो हाथ करती हुई नजर आ रही है आईआईटेंस की टीम। सामने खिलाड़ी मौजूद, मैनी ने उनको एक चौथी का फटका लगाया, लेकिन मैनी को जोरदार झटका दिया, सामने वाली टीम ने यहाँ पर उठा के पटका, सीधा झटका दिया और इसी बीच मैनी को टेक डाउन कर दिखाया गया। आईआईटेंस की टीम थोड़ा सा मैन डिसएडवांटेज में, क्योंकि एक खिलाड़ी की कमी साफ झलक रही है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जोरदार शॉट, बेहतरीन नॉक यहाँ पर निकाला जा चुका है फ्रैंक के द्वारा, काफी खूबसूरत तरीके से एक और इनिशियल नॉक हमें देखने को मिल चुका है। खिलाड़ी जा रहा है उसको रिवाइव करने, रिवाइव क्या करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा ये देखने वाला बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लॉन्चर इस्तेमाल करके जाते हुए खिलाड़ी को भी मारा है, ये है पावर अकात्सुकी की, ये है कहीं ना कहीं काबिलियत अकात्सुकी की। और अकात्सुकी के फ्रैंक और मोनू और लेजेंड और काजू जैसे खिलाड़ी अगर ये मुकाबले के अंदर ऐसे ही मचाते रहे तो शायद ये टीम आज के इस मैच के अंदर बूया भी हमें करती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल आईआईटीएनस एक बहुत ही मजबूत टीम है, एक बहुत ही बड़ी टीम है। सिर्फ केविन 7 लेफ्ट अकेले सर्वाइव कर रहे थे, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छी गुड गेम का प्रदर्शन दिया है, अच्छी अपनी स्किल्स का उपयोग किया है, सीधा बैक ऑफ किया और अपने जो 2 खिलाड़ियों को जीवन दान देने का इन्होंने काम किया है ना, शायद ये इनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिला सकता है अब इस छोर से। लेकिन यहाँ पर इनका तो पीछा कर लिया गया है, इनको पकड़ लिया गया है, मुट्ठी में जकड़ लिया गया है और इसी बीच यहाँ पर काजू भाई का बदला ले लिया गया है। काजू भाई ने यहाँ पर एक पर्सन को टेक डाउन किया और उसको समाप्त कर दिखाया। लेकिन इसी बीच A2 स्पोर्ट्स भी दो दो हाथ कर रही है किसी टीम के साथ, एक बार गौर फरमाएंगे इनके गेम प्ले के ऊपर। DL फिलहाल शॉर्ट रेंज के अंदर घुस चुके हैं, ग्लू वॉल लगा रहे हैं, अंडर लॉन्ग रेंज से फायर देने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं और ये गॉडी स्पोर्ट्स के साथ मुकाबला है। ये फाइट जो है एक बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ फाइट है इनकी। गॉड ईस्पोर्ट्स को मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, गॉड ईस्पोर्ट्स के केनिची, धोनी, डेविल, जतिन बहुत ज्यादा सुपर कॉन्फिडेंस में। अकात्सुकी, अकात्सुकी, फोर असोल्टर, A2 ई स्पोर्ट्स, हॉकआई यहां पे लगता हुआ हैशटैग। लेकिन इसी बीच यहाँ पे थंडर ने एक प्लेयर को मार के बनाया बंदर, 2 प्लेयर को टेक डाउन कर दिया है यहाँ पे टीम। बात करूं अगर A2 ई स्पोर्ट्स है, A2 ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने यहाँ पर गॉड ई स्पोर्ट्स के 2 प्लेयर को टेक डाउन करने का काम किया, यानी कि अब धोनी और जतिन को बैक ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ पर मजबूर कर दिया है टीम हॉका A2 ई स्पोर्ट्स ने। लेकिन फिलहाल इसी बीच RD, ओ माई गॉड, भैंस क्या किसकी, ये खिलाड़ी तो अभी एक जीवन दान लेकर आया था और जीवन दान देकर एक बलिदान देने पर मजबूर कर दिया है गॉड ई स्पोर्ट्स को। गॉड स्पोर्ट्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, एक अनबिलीवेबल तरीके का फटका लगा है यहां पर, जिस तरीके से RD ने उठाया है और दैब पटक दी है गॉड स्पोर्ट्स को, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन फिलहाल यहां पर A2 स्पोर्ट्स के खाते में 3 बहुत ही बेहतरीन किल्स आते हुए IITNs अपने 2 खिलाड़ियों के साथ, और अब तो केविन भाई वापस से अकेले जीवित रह गए, आखिरी खिलाड़ी, आखिरी उम्मीद IITNs का, बुरी हालत में IITNs। गॉड ईस्पोर्ट्स भी कम चालाक नहीं है मेरी जान, और अब तो हॉकआई के साथ मुकाबला ले लिया, ले भैया उनको, अब नहीं तो अब बनी बात यहां पे। लेकिन जिसको नॉक कर रहा था उसका किल तो कोई और लेकर चला गया, यानी कि A2 ई स्पोर्ट्स बनाम हॉकआई, हॉकआई बनाम तो किसी और का भी भाई हो रहा है यहां पे। कोई एलन करके खिलाड़ी था जिसने यहां पर एक किल करने का काम किया, एक बार देख लेते हैं उसको फिलहाल। लेकिन इसी बीच A2 ई स्पोर्ट्स के भी खिलाड़ी यहां पे मौजूद है, 4 किल इनके खाते में। अच्छा वो टीम नंबर 9 थी, डेडलॉक ई स्पोर्ट्स थी जो हॉकआई का यहाँ पे रास्ता रोकने का प्रयास कर रही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे।
बैक टू बैक ग्लू वॉल लगाया जा रहा है उनके द्वारा, लॉकडाउन करके दिखाया जा रहा है और बिल्कुल कर दिया गया है। कुछ किल्स ए टू ईस्पोर्ट्स को गए तो कुछ किल डॉट लॉक ईस्पोर्ट्स को गए। हॉकआई बैक टू द लॉबी जा चुके हैं एक किल पॉइंट के साथ सीधा सीधा यहां पर। अभी भी आज के इस मुकाबले के अंदर 24 खिलाड़ी मौजूद है। अब बस नजरें गड़ा के बैठो, अब थोड़ा दिल थाम के बैठो क्योंकि अब यहाँ पे वक्त आ चला है बूया का। और कौन सी वो टीम होगी जो आज के इस पहले मैच के अंदर सबसे ज्यादा बढ़त लेती हुई नजर आएगी वो देखने वाली बात है। लेकिन द आइटम्स की बात करें अगर हम तो 3-2-5 किल के साथ द आइटम्स यहाँ पर अच्छी पोजिशन पे मौजूद है। लेकिन वही दूसरी ओर गॉड ई स्पोर्ट्स के पास भी 5 किल है। ले भाई ये ओम्पो, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, ए टू ई स्पोर्ट्स के रे तो यहाँ पे अपनी रेज से किसी को छोड़ नहीं रहे बिल्कुल। यहाँ पे देखिए डीएल ने एक और किल कर दिखाया, टोटल यहाँ पर 9 किल आ चुका है पहले ही मैच के अंदर ए टू ई स्पोर्ट्स के नाम। बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पर टीम ए टू ई स्पोर्ट्स के द्वारा हमें देखने को मिल रहा है। फर्स्ट रे का यहाँ पर M2B का जोरदार फटका यहाँ पर बैक टू बैक सामने वाली टीम सहन नहीं कर सकी और जिस कारण से बैक टू द लॉबी चली गई 9 किल ए टू ई स्पोर्ट्स के नाम। टीम नंबर 9 की अगर आप बात करें, एक बार मैप देख लो, चलो अब थोड़ा समराइज कर देते हैं। हाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे ना, चलो लाइक वाइक कर दो सब लोग फटाफट से और बताओ कमेंट में क्या लगता है कौन जीतेगा। चलो मैप देख लिया, अब एक बार मैं शुरू से टीम्स दिखा देता हूँ आप लोग को। देखो द एटम्स 5 किल के साथ कॉटल लिस्टवा के अंदर मौजूद है, फिर गॉड ई स्पोर्ट्स है 3 खिलाड़ियों के साथ 6 किल के साथ, कहीं ना कहीं कॉटल लिस्टवा के एक ऐसे छोर पे मौजूद है जहां से उनको नीचे कूदना पड़ेगा लेकिन रास्ता रोकेंगी वो सामने से आती हुई टीम द एटम्स का और इस बीच उनको किल्स भी मिल सकता है। देखना चाहोगे किस प्रकार से, ये देखो धोनी यहाँ पे मौजूद है, धोनी के सामने खिलाड़ी लेकिन उड़ गया है। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल अनएक्सपेक्टेड मूव यहाँ पर। अब तो गॉड ई स्पोर्ट्स का रास्ता रोकेंगे वो खिलाड़ी, वो मजबूत खिलाड़ी द एटम्स के धुआंधार खिलाड़ी। लेकिन दोनों की HP तो बहुत कम है भैया, अब तो सिस्टम फेल हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, और फेल कर दिया है सिस्टम। न्यूट्रॉन इफेक्ट को समाप्त किया जा चुका है यहाँ पर। AK फ्रैंक अकात्सुकी ऑफिशियल यहाँ पर लुफ्त उठाते हुए इस मुकाबले का, इस बेहतरीन मैच का फायदा उठाती हुई टीम अकात्सुकी ऑफिशियल गॉड ईस्पोर्ट्स अब जोन के अंदर क्लोजिंग कर जाएगी। लेकिन अकात्सुकी ऑफिशियल को मानना पड़ेगा, 11 किल कर चुके हैं टीम, 11 किल और चारों के चारों खिलाड़ी अभी भी सेज जीवित। और लीजिए अब मुझे लगता है एक और किल क्यों ना इनके नाम जोड़ ही दिया जाए शायद, अगर वो नॉक मिला होगा तो। लेकिन दूसरी टीम IITians की बात करूं तो सोलो प्लेयर है यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो रिवाइवल पॉइंट मैप में देख लो सब जगह समाप्त हो गया है। अगर टोकन मिलता है तो वेंडिंग मशीन से शायद रिवाइव कर दे, बट टोकन शायद मिलेगा नहीं अब तो देखते हैं। लेकिन भाई दूसरी ओर A2 Esports के पास यहाँ पे 9 किल पॉइंट्स हैं तो किल्स तो इनके पास भी हैं लेकिन 2 किल कम है अकात्सुकी ऑफिशियल से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैन एडवांटेज में अकात्सुकी और A2 Esports है, तो पहले मैच के अंदर कहीं ना कहीं इन दोनों टीमों के बीच में हमें दो दो हाथ होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन A2 Esports को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि थर्ड पार्टी ना हो जाए ऐसी टीम, क्योंकि जोन के अंदर जाना है और सामने से अकात्सुकी का भी मार खाना है तो अकात्सुकी वाले इतने आसानी से जोन के अंदर आने नहीं देंगे। अकात्सुकी मचाती है, जलवा दिखाती है और ये देखिए लेफ्ट साइड से किस तरीके से रास्ता रोकने का प्रयास किया जा रहा है खिलाड़ियों के द्वारा। डीएल को तो मुश्किलों से यहाँ पे बहुत मुश्किलों में घेर रखा है, डीएल के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। अब तो डीएल ऐसा लग रहा है नॉक हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि A2 Esports अब यहाँ से बैक टू द लॉबी तो नहीं चली जाएगी। RD को यहाँ पर टेक डाउन कर दिया गया, इनको लेफ्ट हैंड साइड से अगर रोटेशन ये लेते तो शायद थोड़ा फायदेमंद होता, लेकिन यहाँ पे कप्तान डीएल को टेक डाउन कर दिया जा चुका है। अकात्सुकी ऑफिशियल सामने से मचा दिए, जलवा दिखा दिए, कैर डाल दिया और सोलो सर्वाइवर IITians के यहाँ पे KVN7 लेफ्ट को समाप्त करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच अब यहाँ पर 13 खिलाड़ी मात्र मौजूद आज के इस मुकाबले के अंदर, डीएल लॉक हो चुके हैं। थंडर यहाँ पर ग्रेनेड कर रहे हैं, थंडर की पहली ग्रेनेड बिल्कुल कोई नुकसान नहीं, आड़ी नॉक हो चुके हैं, रे नॉक हो चुके हैं। थंडर द लास्ट मैन एंड द लास्ट बॉय फ्रॉम हिज टीम साइड आगे बढ़ता हुआ खिलाड़ी। ओ माय गॉड अभी भी जीवित है ये टीम, लेकिन अकात्सुकी का सामना कैसे करोगे मुन्ना, वो तो चार धुआंधार शेर खड़े हैं सामने और चार तो गॉड स्पोर्ट्स के भी हैं, मतलब कि अब ये मुकाबला तो रिकॉर्ड ही हो गया है बिल्कुल। दोस्तों गौर करिएगा, एक तरफ लीजिए तो यहाँ पे अब A2 Esports के रे अकेले रह गए, तो अब ये मुकाबला कहीं ना कहीं दो बेस्ट टीमों के बीच में होने वाला है। 3 बेस्ट थी जिसमें एक को दो ने मिलकर मार दिया है। A2 Esports अब लगभग बैक टू द लॉबी चली जाएगी, रे अकेला जिंदा है और ये भी अब देखो मार पड़ रही है इसको बहुत बुरी तरीके से। तो फिलहाल यहाँ पे गॉड ईस्पोर्ट्स को देख लेते हैं एक बार, केनिची धोनी आगे बढ़ते हुए, डेविल जतिन मौजूद यहाँ पर, 8 खिलाड़ी मौजूद आज के इस मुकाबले के अंदर। A2 Esports तीसरे नंबर पर बैक टू द लॉबी जा चुके हैं फ्यू ऑफ द किल्स के साथ, लेकिन यहाँ पर गॉड ईस्पोर्ट्स बनाम अकात्सुकी ऑफिशियल का ये मुकाबला होता हुआ। फिलहाल यहाँ पर मोनू लेजेंड काजू की बात करें तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए काजू नजर आ रहे हैं। फ्रैंक ने यहाँ पर एक प्लेयर को टेक डाउन करके दिखाया है,
धोनी नॉक हो चुके हैं गॉड ईस्पोर्ट्स मैन डिसएडवांटेज में। बहुत ही ज्यादा इंटेंस चलता हुआ ये मुकाबला, कौन बनेगा डॉन, कौन करेगा बुआ। यहाँ पर गॉड ईस्पोर्ट्स के तीन खिलाड़ी समाप्त हो गए, डेविल द सोलो सर्वाइवर जिनके पास वेपन्स की बिल्कुल कमी है, और तो और ले भैया ओम को अब बुआ गया इनके नाम आकात्सुकी के नाम, द टीम आकात्सुकी हैज डन इट, द टीम हैव डन इट। दोस्तों आज के पहले मैच के अंदर ही बहुत ही ज्यादा शानदार शानदार तड़कता भड़कता भूया टीम आकात्सुकी ऑफिशियल के द्वारा हमें देखने को मिल चुका है। दोस्तों दूसरे नंबर पे गॉडी स्पोर्ट्स है, तीसरे पे A2 स्पोर्ट्स है, लेकिन इनके किल्स लगभग लगभग थोड़ा एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। इनके किल्स अगर आपको देखना है ना तो मैं कहता हूं देखो, मगर आपको कैलकुलेटर भी खोलना पड़ेगा, तो आप मत खोलो, मैं खुद आपको बता देता हूं। यहां पर जो टीम आकात्सुकी ऑफिशियल है दोस्तों, उसने 25 किल के साथ यहां पर कहीं ना कहीं बुआ किया है और फर्स्ट पोजीशन यहां पर अचीव करने का काम किया है टीम ने। सेकंड नंबर पे गॉड ईस्पोर्ट्स आई है जिसके खाते में 9 किल रहने वाले हैं, और 9 किल A2 ईस्पोर्ट्स के भी हैं जो कि तीसरे नंबर पे है। चौथे पे मोहित एलन अल्ताफ बॉटी रहने वाले हैं 6 किल के साथ, समझ रहे हो। तो कुछ इसी प्रकार से टीम्स हैं। आइए ITNs छठवें नंबर पे आइए, यहाँ पे लेकिन किल पॉइंट्स उनके पास 0 रहने वाले। तो कुछ इस प्रकार का रहा आज का ये पहला मुकाबला, बहुत ही ज्यादा रोमांच से भरा हुआ ये मुकाबला। तो दोस्तों आज का ये पहला मैच तो हो चुका है समाप्त। अब मैं आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं करूंगा, टेंशन ना लो, कहीं जाओ मत, रुको 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 कहीं मत जाओ। लाइक कर दिया है, नहीं किया एक बार कर दो प्लीज। हाँ देखो इतना मेहनत से कास्टिंग कर रहा हूँ तो लाइक तो बनता है ना दोस्तों। तो सारे बंदे मिलके स्ट्रीम को लाइक कर दो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, हैशटैग लगाओ अपनी फेवरेट टीम्स के लिए, शेयर अप करके दिखाओ अपनी टीम्स के लिए, फिलहाल उनकी पावर बढ़ाओ, उनकी मोटिवेशन लेवल बढ़ाओ। फिलहाल देखो आज का ये दूसरा मैप है, और दूसरा मैप तो यहाँ पे नेक्स्ट्रा लगा दिया गया क्या, परगेट्री, मैं लिख देता हूँ परगेट्री, परगेट्री कर दिया जाए यहाँ पे, लेकिन क्या पता मैनेजमेंट चाह रही है कुछ मिक्सअप करने का। ओके मैं बोल देता हूँ यहाँ पे स्टार्ट, चलो ये लोग मिक्स करके खेलना चाहते हैं, लेट्स गो। स्टार्ट करने को मैंने बोल दिया, और यहाँ पे मुकाबला जो है वो स्टार्ट भी कर दिया गया है, और बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, पूरे चैट में आकात्सुकी भर गई है। एक ही खिलाड़ी स्पैम कर रहा है, एक ही बंदा स्पैम कर रहा है, लेकिन लोग काफी हैं, दर्शक काफी मौजूद, दर्शक काफी खुश, और आपका ना देखो एक भी मिनट हमने वेस्ट नहीं करा है, तो लाइक तो बनता है ना मेरी जान, शेयर तो बनता है बेडू। और जितने लोग आकात्सुकी से देख रहे हैं, जितने लोग हॉकआई से देख रहे हैं, जितने लोग गॉड ईस्पोर्ट्स से देख रहे हैं, जितने लोग A2 ईस्पोर्ट्स, फॉरेस्ट ऑल्टर, द आइटम्स और डेड लॉर्ड, वॉरहॉक, डेस्पोसिटो के समर्थक हैं, सब लोग हैशटैग लगाओ, अपनी टीम का पावर बढ़ाओ चैट में, थोड़ा तो मजा लाओ ना मेरी जान। अब हो तो किस बात का ही गो यार, देखो सब भाईचारा जिंदाबाद, ऑलवेज ऑन टॉप, ठीक है। फिलहाल देखते हैं HE06 वाले, हाँ बिल्कुल, फॉरेस्ट ऑल्टर और आकात्सुकी के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है वैसे चैट में। A2 Esports वाले नजर नहीं आ रहे कहीं, A2 Esports नहीं नजर आ रही है, और द एटम्स नहीं नजर आ रही है, गॉड Esports तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही है, हॉकआई तो विलुप्त सी हो गई है। व्हाट आर यू गाइस डूइंग यार, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या यहाँ पे सब आकात्सुकी के ही हैं, क्या यहाँ पे सब फॉरेस्ट ऑल्टर के ही हैं, वेयर आर A2 Esports, कहाँ है सब फैंस, कहाँ है सारे भाई लोग, लगाओ हैशटैग, दिखाओ अपना पावर, आग लगाओ, जलवा दिखाओ, कह डाओ, आज ही तो एक दिन है, आज ही तो ये फाइनल्स है, द ग्रैंड फाइनल है आज। बट मीनवाइल दोस्तों आज का ये दूसरा मुकाबला हॉकआई प्रीमियर लीग सीजन 1 का द ग्रैंड फाइनल का मैच नंबर 2 परगेट्री मैप, कुल मिलाकर 12 टीमें, 48 खिलाड़ी आज के इस मुकाबले के अंदर, और मैं A2 गेमर आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ये जो दूसरा मैच है इसका पाथ ऑफ द प्लेन शुरू हुआ है माउथ हाउस से, और समाप्त हो रहा है क्वेरी के अंदर जाकर। फिलहाल यहाँ पे द एटम्स जो है वो जाते हुए नजर आ रही है हमें, कहीं ना कहीं गोल्फ कोर्स, पहले सेंट्रल जा रहे थे लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज ऐसा लग रहा है, गोल्फ कोर्स की ओर जाते हुए नजर आएंगे। कुछ इसी प्रकार से सभी टीमें अपने अपने फेवरेट लैंडिंग स्पॉट की ओर गई होंगी। फिलहाल हेलो दादा कैसे हो, बहुत बढ़िया शुभम। A2 गेमर ये कौन डुप्लीकेट मेरी आवाज निकाल रहा है कास्टिंग करते हुए, अरे भाई भाई भाई। गीगा चट जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, व्हाइट लॉर्ड आपको भी बहुत बहुत वेलकम है, सारे भाइयों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जतिन ने खाता खोल दिया है गॉड ईस्पोर्ट के, लेकिन धोनी समाप्त कर दिया जा चुके हैं। ब्राजील के अंदर ये टीम उतर चुकी है मैदान जंग में अपना जलवा दिखाने के लिए, कह ढाने के लिए, लेकिन आग ओ माय गॉड लेजेंड ने भी किल किया, लेकिन फ्रैंक नॉक है जिनको यहाँ पर रिवाइव दे दिया गया है।
IITians, वो टीम जो मैन डिसएडवांटेज के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा मात खाती हुई, लेकिन एक बार A2 Esports को देखना चाहेंगे। A2 Esports GL अभी अभी आए हैं, रे और आरडी, लेकिन थंडर यहां पर समाप्त तो होते हुए देखने को मिल पाए हैं। मोहित अल्ताफ, एलन बॉटी, इनका भी एक खिलाड़ी समाप्त कर दिया गया है। तो कई टीम्स ऐसी हैं जिनको क्लैश लैंडिंग में खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। मेरी जान महेश मेल जी, बहुत बहुत स्वागत, क्या हाल चाल। वाओ, वो आएंगे, कौन आएगा ब्रो, कहां भाई, कब से लिख रहे हैं तो दिखना चाहिए, ऐसा लिखिए। आप लोग अगर अपनी टीम के लिए हैशटैग लगा रहे हैं तो दिखना चाहिए, अगर वो दिख नहीं रहा है तो बिक नहीं रहा है, और बिकेगा नहीं तो दिखेगा नहीं, समझ रहे हो। हाँ, हर मामले में मजबूत होना है। टीम तो अपना बेस्ट देने के लिए, आपका नाम मान सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ पर खेल रही है, अपना बेस्ट दे रही है। क्वालिफायर्स में कई टीमों को धूल चटाने के बाद यहाँ पर आज ग्रैंड फाइनल्स के अंदर मचा रही है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, अपने टीम्स को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो? सपोर्ट करो, बहुत लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अकात्सुकी बहुत कॉन्फिडेंस में, और इसीलिए उनकी टीम आज कॉन्फिडेंस के साथ सबका मुंह फोड़ती हुई भी नजर आ रही है। गॉडी स्पोर्ट्स वहीं दूसरी ओर, लेकिन इस बार थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दो किल टीम के पास है, लेकिन दो खिलाड़ी नॉकडाउन भी हैं। यहाँ पे डेविल आगे बढ़ते हुए जतिन को रिवाइव देने के लिए ऊपर जाता हुआ खिलाड़ी, अपने साथी टीममेट को रिवाइव देने के लिए खिलाड़ी इनके पास आ रहा है। रश शायद हो सकता है, लेकिन डेविल केनिची जतिन यहाँ पर मौजूद, तीन खिलाड़ी तीन किल के साथ। अकात्सुकी ऑफिशियल की बात करूँ तो लेजेंड और फ्रैंक, दो खिलाड़ी जो कि गोल्फ कोर्स के अंदर अब आ चुके हैं। हॉकाई की हम बात करें तो ये टीम माउथ हाउस के अंदर है, आपकी टीम हॉकाई, हाँ यस, हॉकाई वन की ये टीम है, जॉर्जार्ट, विन्नू, नरेश, दुर्गेश। और इसी बीच A2 Esports को एक बहुत बड़ा घात, वापस एक खिलाड़ी को समाप्त कर दिया है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर टीम नंबर 9 ये भी फाइट लेती हुई नजर आ रही है, राघव 98 के साथ। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, जिसके गॉड इरेन द सोलो सर्वाइवर रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए गॉड इरेन नजर आ रहे हैं आज के इस मुकाबले के अंदर। स्लॉट 6 आकात्सुकी, फोर असोल्टर, हॉकाई, ऐसे लग रहा है हैशटैग, वाह क्या बात है। लेकिन फिलहाल टीम नंबर 12 के X2 रशर की ओर से गॉड इरेन सोलो सर्वाइवर, फोर असोल्टर यहां पर बहुत ही बेहतरीन लैंडिंग स्पॉट चुनी है अपने लिए। अच्छी खासी लूट करने के बाद ये टीम आज के इस मुकाबले के अंदर सर्वाइव कर रही है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं चैंप, सासुके, अरसू, वार मशीन। दूसरी ओर मदारा, हाइड्रा, शिकारी, वेनम, टीम नंबर 10 डेस्पासितो फाइट लेती हुई आज के इस मुकाबले के अंदर, दो दो हाथ करती हुई खिलाड़ियों के साथ। मदारों को काफी ज्यादा लो किया जा चुका है, हाइड्रा शिकारी दूसरी ओर मौजूद, सामने एक बंदा है जिसको हेडशॉट लगाने का प्रयास कर रहे हैं खिलाड़ी, वो खिलाड़ी लेकिन अलग ही कॉन्फिडेंस में, वो बंदा एक अलग ही गुस्से में नजर आ रहा है, वो खिलाड़ी एक अलग ही मूड में नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहा है दिमाग, यहाँ पे डेस्पासितो का तो माथा खोलने का काम कर रही है सामने वाली टीम। और सामने वाली टीम जो है वो कोई और नहीं दोस्तों, IITians की टीम है, जिसके एक खिलाड़ी KVN7 ने वापस से अपनी जिम्मेदारी को समझे और बैक ऑफ कर रहे हैं। लेकिन अकात्सुकी वही दूसरी और वेनम FF सामने मौजूद, हॉकाई बाकी ही टीमें, और यहाँ पे इसी बीच वाइपर यहाँ पर शॉट लगाने का प्रयत्न करते हुए, वाइपर RCR लास्ट टू मैन सर्वाइविंग फ्रॉम देयर टीम साइड। देखने वाली बात होगी RCR की ग्लोअल कितनी जल्द टूट जाती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर बहुत जोरदार हमला, वाइपर द लास्ट मैन हो जाएंगे समाप्त, चले जाएंगे बैक टू द लॉबी। IITians को मिल चुका है इस बार टोटल 4 किल पॉइंट्स आज के इस मुकाबले के अंदर। लेकिन गॉडी स्पोर्ट्स, ये मैं क्या देख रहा हूँ, डेविल अकेले, लेकिन डेविल अब 3 है, डेविल ने तो जिता दिया है, मचा दिया है, अपनी टीम को वापस एक नया जीवनदान दिला दिया है, वाओ अनबिलीवेबल। हॉकी वही दूसरी ओर आगे बढ़ते हुए, टीम नंबर 1 द आइटम्स, टीम नंबर 2 वार हॉकी स्पोर्ट्स, दोनों बैक टू द लॉबी जा चुके हैं फिलहाल। 34 खिलाड़ी आज के इस मुकाबले के अंदर मौजूद, टीम नंबर 9 की ओर से मोहित, अल्ताफ, एलन, A2 Esports, लेकिन फिलहाल इनकी फाइट को आप एंजॉय करें। अल्ताफ भाई को डैमेज पड़ता हुआ मोहित यहाँ पे मौजूद, मोहित अपने खिलाड़ी को हील कर रहे हैं, बॉटी रिवाइव होके नीचे आते हुए, अल्ताफ यहाँ पे मचाते हुए अंदर घुस चुके हैं, गॉड ई-स्पोर्ट्स के धोनी को धो चुके हैं। A2 Esports, क्यूटी पाई के लिए हैशटैग लग रहा है भाई, कौन है A2 Esports, अपने चारों खिलाड़ियों के साथ एक नया जीवनदान पाकर मुकाबले के अंदर कम बैक कर चुकी है वंस अगेन। फोर असॉल्टर तो 4 खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर मौजूद ही है। तो कुछ टीमें ऐसी हैं जिनके पास मैन एडवांटेज बहुत बढ़िया है, लेकिन गॉड ई-स्पोर्ट्स यहाँ पर सामना कर रही है, समाप्त करना चाहती है सामने मौजूदा खिलाड़ियों को।
मोहित को जो कि नॉक करके फिनिश भी किया गया है। देखो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आज का दूसरा मैच है। अब आपको यहाँ से रणनीति को समझना होगा, थोड़ा सा स्ट्रेटजी समझने का आपको अब यहाँ से प्रयास करना होगा, किस प्रकार से टीम्स खेल रही हैं, क्या लगता है, अनुमान क्या है, क्या शंका है यहाँ पर, सब दूर कर सकते हो आप लोग बिल्कुल। लेकिन फिलहाल यहाँ पे केनिची के सामने पूरे 2 से 3 खिलाड़ी मौजूद रहने वाले हैं। थोड़ा सा गौर करेंगे केनिची के ऊपर। केनिची के सामने खिलाड़ी तैयार है, केनिची पूरी तरीके से, एक मौका मिले और हम मारे चौका। लेकिन आपको केनिची के ऊपर रस हो चुका है। केनिची बैक ऑफ कर रहे हैं, बैक ऑफ करता हुआ ये सोलो खिलाड़ी, बैक ऑफ करता हुआ ये सोलो सर्वाइवर जाता हुआ अपने साथी खिलाड़ी की ओर मचाने के लिए, जलवा दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पर पीछे से आएगा लॉन्चर और इनको डैमेज कर जाएगा। बहुत बेहतरीन ब्लू वॉल केनिची का पीछा, लेकिन नहीं छोड़ना चाह रही है सामने मौजूदा टीम। यहाँ पर उनको पता है क्योंकि अगर हमने छोड़ा तो किल जो है वो छोड़ा। और लेकिन अब यहाँ पर तो अल्ताफ ने धोनी को तोड़ा भाई, जतिन अब अकेले, बिल्कुल सोलो, गॉड ईस्पोर्ट का एक खिलाड़ी और टीम के पास 6 किल हैं। लेकिन गॉड ईस्पोर्ट का सामना कौन करेगा देखते हैं। फिलहाल हॉकाई यहाँ पे मौजूद है, नरेश, दुर्गेश, जॉर्जाट। शेयर करो दोस्तों स्ट्रीम को अपने सभी भाई मित्रगण यार दोस्तों के साथ, बताओ उनको कि भैया फाइनल है यार, जाओ लाइक वाइक करके चले आओ, ठीक है। फिलहाल A2 ईस्पोर्ट्स के नाम का हैशटैग लग रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। वही दूसरी ओर टीम नंबर 3 सेंट्रल के अंदर 2 किल करके मौजूद है आकात्सुकी ऑफिशियल। इस बार किल्स मिले नहीं है टीम को इस बार तो, क्योंकि IITians फोड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार तो 4 असॉल्टर के साथ मैच हो गया इनका। ले भैया ओम 4 असॉल्टर के पास भी 1 मैन डिसएडवांटेज है, तो वहीं IITians के पास भी 1 मैन डिसएडवांटेज है। लेकिन सासुके और वार मशीन दोनों यहां से निकल चुके हैं भैया, तो अब तो चैंप ही सोलो सर्वाइवर है और चैंप ने तो जंग का ऐलान कर दिया है। चैंप ने तो यहां पर सीधा चैलेंज कर दिया है बिल्कुल कि अब मेरे खिलाड़ियों तक जाने से पहले मुझ तक आकर दिखाओ। लेकिन वो खिलाड़ी तो बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे हैं, पूरे सोल्डर की ओर सीधा क्लोजिंग करते हुए देखने को मिल पा रहे हैं और सासुके हो जाएंगे समाप्त। वार मशीन और चैंप लास्ट 2 मैन सर्वाइविंग फ्रॉम द टीम साइड। चैंप मजबूर है जोन के अंदर हील करने के लिए। लेकिन इसी बीच यहां पर बात करूं अगर टीम IITians की, तो IITians के एक खिलाड़ी अवश्य नहीं है, सुमित को यहां पर समाप्त कर दिया गया है। लेकिन भी बहुत कॉन्फिडेंस में टीम समाप्त करने का प्रयास। बैक टू बैक लॉन्चर फेंका जा रहा है, ग्रेनेड कुक किया गया खिलाड़ी के द्वारा, बैक ऑफ होता हुआ यहाँ पर ग्रेनेड काफी दूर गया, त्रिकोणी ग्रेनेड काफी डैमेज, एक और ग्रेनेड गया, एक और बार फटेगा, थोड़ा सा जरूर डैमेज घटेगा। एक बार स्कैनर का प्रयोग ताकि एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सके खिलाड़ी की। और इस बार तो रश करने का विचार बना लिया IITians के कप्तान ने, देखते हैं। फिलहाल रशर लग रहे हैं ये तो। एक और बार ग्रेनेड, एक और बार होगा ब्लास्ट, लेकिन इस बार कोई सफलता नहीं इस बार। लेकिन A2 स्पोर्ट्स को मिल गया है किल दोस्तों। गॉड इरेन समाप्त कर दिया चुके हैं, रॉकी डाउन पड़े हैं, रॉकी का किल, लेकिन IITians उठा लेगी। ओ वाओ, IITians के केविन ने किल उठा लिया। लेकिन ले भैया ओम्फो और वार मशीन इसी बीच राघो का किल उठा रहे, सब थर्ड पार्टी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन ऐसी बीच वो बात करो अगर 4 असॉल्टर की, तो 4 असॉल्टर के चारों खिलाड़ी शेष जीवित। देखते हैं दोस्तों, 31 बंदे और मौजूद आज के इस मुकाबले के अंदर। चैंप, सासुके, अरसू, वार मशीन, टीम नंबर 12, टीम नंबर 1, 2 सब बैक टू द लॉबी जा चुकी है आपकी। लेकिन टीम सभी भी मौजूद है, A2 स्पोर्ट्स, IITians और बेहतरीन हेडशॉट इसी भी जाता हुआ यहाँ पर खिलाड़ी के द्वारा डोमिनेटिंग करता हुआ यहाँ पर 5 किल बैक टू बैक यहाँ पर खिलाड़ी ने कर दिखाया है, अपनी टीम के लिए एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर निकाल दिखाया है। और आगे बढ़ता हुआ एक खिलाड़ी एक और किल की तलाश में, एक और किल करने की उम्मीद जगी है इस खिलाड़ी के अंदर। क्या ये खिलाड़ी एक और किल कर पाएगा, क्या एक और बार समाप्त कर रहे हैं। ओ एलन को नॉक कर रहा है इस बार तो, लेकिन वो किल मिल पाएगा कि नहीं ये बड़ा सवाल रहने वाला है। लॉन्चर का प्रयोग करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, लेकिन रश करने का विचार बनाया और रश कर दिखाया, नॉकडाउन भी कर देंगे और नॉक करने के बाद तो अब समाप्त भी कर देंगे। और ये कोई नहीं गॉड ईस्पोर्ट्स तो बैक टू द लॉबी चली गई भैया। गॉड ईस्पोर्ट्स जो दूसरे नंबर पे आई थी वो बैक टू द लॉबी चली गई है। और टीम नंबर 9 के अल्ताफ अब सोलो सर्वाइव कर रहे हैं, अल्ताफ के नीचे भी एक खिलाड़ी उतरा है। लेकिन अभी अभी गॉड स्पोर्ट्स के नाम का हैशटैग लगता हुआ, 28 खिलाड़ी और मौजूद आज के इस मुकाबले के अंदर। अल्ताफ के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बैक ऑफ करने के सिवा।
लेकिन देखना होगा ये खिलाड़ी बैक ऑफ करता है या यहाँ पे फाइट लेगा, लेकिन सोलो है मेरे हिसाब से तो बैक ऑफ करना चाहिए। शायद ये बैक ऑफ करेंगे लेकिन जोन इनके पास है तो शायद ना करें, लेकिन आमना सामना हुआ थर्ड पार्टी के लिए। अब तो ये इनकी कान खड़ी हो गई बिल्कुल कि अब तो भैया थर्ड पार्टी करके दिखाना है, और वो कोई और नहीं अकात्सुकी ऑफिशियल है वो। देखिए अकात्सुकी ऑफिशियल किस तरीके से तैयार है, पूरा मचाने के लिए, जलवा दिखाने के लिए, कह डालने के लिए, और इनसेन को यहाँ पे फोड़ा जा चुका है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से धोया जा चुका है। लेकिन ए टू ई स्पोर्ट्स भी इसी बीच किल कर रही है, आर डी के दो किल, और ये टीम भी आ गई है लगभग इसी इलाके में। ले भाई अब तो और बेहतरीन ये मुकाबला, लेकिन अब ये खिलाड़ी ने तो हील कर लिया खुद को, रिवाइव कर लिया खुद को, सेल्फ रिवाइव करके आगे बढ़ चुके हैं ये तो। सुपर मेडिकेट फायदा बहुत मिलेगा, अकात्सुकी दूसरी ओर मचाती हुई बंदों को फोड़ती नजर आती हुई, और एक बार फिर से अकात्सुकी बनाम ए टू ई स्पोर्ट्स हो गया है, और एक बार फिर से वही सीन हुआ कि ए टू ई स्पोर्ट्स जोन के बाहर है और यहां पर गेट कीप कर रही है अकात्सुकी ऑफिशियल। तो मानना पड़ेगा टीम अकात्सुकी ऑफिशियल का किस्मत और जोन बहुत साथ दे रहा है दोस्तों बार बार यहां पर। लेकिन इस बार तो रिवाइव मिल चुका है, मैन एडवांटेज बनाने का पूरा प्रयत्न कर रही है टीम ए टू ई स्पोर्ट्स, लेकिन एक बार फिर से नॉक निकाला गया है। लेकिन इसी बीच हॉकाई बेहतरीन रोटेशन ले रही है और यहाँ पे धप्पा दे सकती है। अब तो अकात्सुकी को कोई मार सकता है तो वो हॉकाई ही है सिर्फ, और कोई मार नहीं पाएगा, किसी की बस की है नहीं लग रहा। लेकिन अकात्सुकी फिलहाल इस बार मौजूद सामने खिलाड़ी को स्पॉट करने का प्रयास, जॉर्ज जॉर्ज भाई पूरी तरीके से तैयार, स्नाइपर लेकर ये खिलाड़ी मौजूद आज के इस मुकाबले के अंदर आगे बढ़ते हुए। जॉर्ज जॉर्ज हमारे भाई नरेश भाई बेहतरीन नॉक निकालते हुए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर ए टू स्पोर्ट्स की बात करें तो थंडर और डीएल लास्ट टू मैन ओनली सर्वाइविंग फ्रॉम द टीम साइड, हर तरफ से इनको गोलियां पड़ रही है। फिलहाल जोन के अंदर भी जाना है, अपनी जान को जो है वो भी बचाना है, और डबल वेक्टर मिल गई, अब इससे बड़ा और क्या होगा। लो भैया गोली भी मिल गई, लो अब तो मेडिकेट भी मिल गई, अब क्या, अब तो सोलो सर्वाइवर हो, पांच किल है आपके पास, कर लो सर्वाइव। सामने बंदा आ गया, सामने बंदा आ जाएगा अकात्सुकी ऑफिशियल का, काजू कर दिखाएगा किल। ए टू स्पोर्ट्स बैक टू द लॉबी हमें जाती हुई देखने को मिल पाएगी, लेकिन 10 खिलाड़ी और मौजूद आज के इस मुकाबले के अंदर। लेकिन इस बार हॉकाई के पास बहुत ढेर सारा है मौका, हॉकाई कर सकती है इस बार भूया। लेकिन विन्नू भाई जोन के बाहर बैठे हैं, तो दोस्तों लगाओ हैशटैग, कर दिखाओ सपोर्ट हॉकाई, हॉकाई जीत रही है, देख रहे हो। अब ना आए तुम लोग के अंदर जोश तो बेकार है, किस बात की तुम लोग हॉकाई वन के समर्थक हो। लेकिन फिलहाल हॉकाई ऑफिशियल यहाँ पर मचाती हुई आज के इस मुकाबले के अंदर दो कल्स निकाल कर दिखाती हुई कि हमारे अंदर भी वो काबिलियत है कि हम कर सकते हैं। लेकिन अकात्सुकी ऑफिशियल की बात करूँ तो छत पर ही डट कर बैठे हैं, नीचे आने का हिम्मत नहीं है, और आएंगे तो घाटे का सौदा कर जाएंगे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर विन्नू भाई को टेक डाउन कर दिया जा चुका है, एक बहुत ही बड़ा झटका टीम को लग चुका है। आई आई टी एस के भी तीन खिलाड़ी, हॉकाई के भी तीन खिलाड़ी, लेकिन अकात्सुकी ऑफिशियल दो खिलाड़ियों के साथ छत पर मौजूद है, छत पे मौजूद ये टीम, कहीं ऐसा ना हो जाए कि थर्ड पार्टी कर जाए, देखना होगा। फिलहाल नीचे से आते हुए खिलाड़ियों का रास्ता रोकने का प्रयत्न सफल रहा, काजू को मिल चुका है एक किल, लॉन्चर फेंक कर किल को कंप्लीट करेगा यह खिलाड़ी। और इसी बीच यहां पर फ्रैंक और काजू टू वर्सेस वन वर्सेस, क्योंकि नरेश भाई अब सोलो है और आई आई टी एंस लगभग ये बुईया कर सकती है, मुझे लग रहा है IITians ये बुईया लगभग कर सकते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अकात्सुकी ऑफिशियल लेकिन अगर क्लच कर गई तब तो मुश्किल है दया। फिलहाल नरेश भाई द लास्ट मैन एंड द लास्ट ऑफ फ्रॉम द टीम साइड, दो किल पॉइंट के साथ ये खिलाड़ी मौजूद आज के इस मुकाबले के अंदर। अकात्सुकी ऑफिशियल के फ्रैंक नीचे उतर चुके हैं, फ्रैंक को पकड़ा गया है, मुट्ठी में जकड़ा गया है, और इसी बीच काजू ने एक और किल कर दिखाया, एक और खिलाड़ी को नॉकडाउन निकाल कर बताया कि इनमें कितना दम है। लेकिन हॉकाई ऑफिशियल बैक टू द लॉबी जा चुके हैं, अकात्सुकी ऑफिशियल लास्ट टू मैन सर्वाइविंग फ्रॉम द टीम साइड, और इसी बीच देवियर सजनो कृपया ध्यान दे, बैक टू बैक टीम हॉक अकात्सुकी ऑफिशियल ने यहाँ पर कर दिखाया है बुया बुया बुया, बहुत ही बेहतरीन शानदार जानदार तड़कता बूया यहाँ पर टीम अकात्सुकी ऑफिशियल के द्वारा, बैक टू बैक यहाँ पर खिलाड़ियों ने मचाया है, अपना जो गेम प्ले है वो दिखाया है और जलवा बनाया है बहुत ढेर सारी किल्स के साथ। टीम मौजूद आज के इस मुकाबले के अंदर 15 किल, दूसरा मैच पहला पोजीशन अकात्सुकी ऑफिशियल के नाम, दूसरे पे IITians मौजूद रहने वाली है 19 किल के साथ, बहुत ज्यादा किल कर दिया यार हॉकाई इस बार, दो किल के साथ तीसरे नंबर पे, गुड कमबैक कह सकते हैं हम इसको। चौथे पे शैडो शिवम इनसेन ऋषि रहने वाले हैं 4 किल के साथ। ए टू स्पोर्ट्स पिछली बार तीसरे पे थी,
इस बार पांचवे पे है, पिछली बार 9 से 10 किल थे लगभग, इस बार 5 किल और पांचवा पोजीशन है, तो ठीक है अभी तक लगभग लगभग ठीक है। फोर रिसोल्टर लेकिन गुड कम बैक कहेंगे हम इसको, 3 किल और छठवा पोजीशन, सातवें पे मडारा, शिकारी, हाइड्रा, ये सब लोग मौजूद रहने वाले, तो कुछ इस प्रकार की टीम्स है गॉड ईस्पोर्ट्स यहाँ पे रहने वाली है। 10वें नंबर पे 6 किल पॉइंट के साथ, तो कुछ इस प्रकार का रहा दोस्तों आज का ये दूसरा मैच। लेकिन अभी सिर्फ 2 मैचेस समाप्त हुए, अभी भी 3 मैचेस बाकी हैं, कलहारी, अल्पाइन, नेक्स्ट्रा, वो 3 मैप डिसाइड करेंगे कि कौन सी वो टीम है जो इस सीजन का हॉकी प्रीमियर लीग सीजन 1 का ग्रैंड फिनाले जीत रही है। लेकिन फिलहाल दोस्तों लाइक ने आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, मैं चाहता हूँ आप सारे भाई बंधु मिलकर लाइक कर दो इस स्ट्रीम को, गो फॉर 50 लाइक्स एवरीबडी, सही रहेगा ना, 50 तो कर दो एटलीस्ट, ठीक है, तो सारे भाई मिलकर 50 लाइक कर दो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल अब आपका एक भी बिना मिनट वेस्ट किए ना मैं ये मैच स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो लेट्स गेट इट स्टार्ट, जुबान मेरी फिसल गई थी माफ करना। फिलहाल आज का ये दूसरा नहीं तीसरा मैच अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज का ये तीसरा मैच कलहारी मैप हॉकी प्रीमियर लीग का, लगभग अब कुछ ही 1 मिनट के अंदर लगभग प्रारंभ हो जाएगा, तभी खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयार है, मैंने स्टार्ट का यहाँ पर कमांड दे दिया है, सब लोग रेडी हैं मचाने के लिए, जलवा दिखाने के लिए, कह डालने के लिए। फिलहाल यहाँ पे सब लोग पूरी तरीके से तैयार। अर्शन भाई तुम डीसी में हो, गीगा चैट बिल्कुल होंगे अर्शन भाई, देख लो उनको। फिलहाल हैशटैग अकात्सुकी यहाँ पे बहुत ज्यादा लगती हुई आज नजर आ रही है, अकात्सुकी की ओर से इतने समर्थक है ना आज कि मतलब मैं हैरान हो गया बिल्कुल, कितने लोग अकात्सुकी से हो, चलो अपना नाम बताओ एक बार फटाफट से, अकात्सुकी की ओर से आज कितने लोग यहाँ पर मौजूद है लिख दो, मैं अकात्सुकी सब लोग लिख दो चैट में, चलो आज देख ले कितने ले। मैं नंबर्स में गिनूंगा, मैं चैट में नहीं गिनने वाला, मैं नंबर गिनूंगा, जैसे X5 ऑफिशियल नाम से कमेंट आ रहा है, गीगा चैट नाम से, तो ऐसे मैं नंबर्स में गिनूंगा। चलो A2 इसके बाद CS टूर्नामेंट होगा या फुल मैप बताया जाएगा आप लोगों को दोस्तों, डोंट वरी, मैं कम्युनिटी पोस्ट इस चैनल पे सोच रहा हूं डाल दूंगा और उस पे आप लोग दबा के वोट करिएगा, ठीक है, या फिर मैं अपनी A2 गेमर वाले चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, कहीं भी डालू कभी भी डालू, अगर आपके सामने आता है वो, या आप लोग खुद से कभी चेक वो कर लेना, ठीक है, तो वहाँ से खुद आप लोग खुद वोट कर दीजिएगा कि फुल मैप चाहिए या CS चाहिए, ठीक है। गन प्रॉपर्टी यस था क्या, मैंने देखा नहीं मेरी जान। A2Y इसके बाद टूर्नामेंट होगा क्या, बिल्कुल होगा मेरी जान, बिल्कुल होगा, जिस प्रकार का आप लोगों का लव एंड सपोर्ट है, अगर ये इसी प्रकार से बना रहा, आज 50-60 लाइक हो गए तो यार मैं मोटिवेट हूँगा, हमारी मैनेजमेंट मोटिवेट होगी, तो ऑफकोर्स हम लोग बिल्कुल करवाएंगे ये टूर्नामेंट, ठीक है। फिलहाल अभी न्यूट्रॉन, लूसीफर तैयार, विनीत, मिस्टर हिम्स, वाइपर तैयार, सभी खिलाड़ी आज के इस कलहारी मैच के अंदर, आज के दो देखने वाली बात होगी कि आज का ये मैच किसके नाम जाता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर उतरते ही वाइपर को बंदूक मिली और उसका फायदा उठाया वाइपर ने, आरडी को बंदूक मिली उसका फायदा उठाया आरडी ने, फार्मर्स ने 1 किल कर दिखाया, लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज है 4 रिसोल्डर को, चैंप को यहाँ पर टेक डाउन किया गया है, यहाँ पर डिसएडवांटेज है टीम नंबर 12 को, यहाँ पर डिसएडवांटेज है A2 ई-स्पोर्ट्स को, DL समाप्त हो गए, तो यहाँ पे जो जो टीमें क्लैश लैंडिंग की हैं उनको तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा मेरी जान, देखो ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मुकाबला प्रारंभ, फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हुए राघव 98 भाई 2 किल इनके खाते में, 4 असॉल्टर के अर्शु सोलो सर्वाइवर, कम्युनिटी पोस्ट डालो, ठीक है कम्युनिटी डाल देंगे दोस्तों, मैं मिस्टर हेड्स
अच्छा आज ही पोल डाल दूं, अभी पोल डाल दूं? अगर कोई मॉडरेटर यहां पे देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, चलो अच्छा मैं ही डाल देता हूं पोल, रुको लो। लो चलो रिप्लाई करना, ठीक है फुल मैप यस यस, दो चीजों में आपको वोट करना है, ठीक है चलो दो चीजों में आपको वोट करना है, ठीक है दोस्तों। चलो मैंने कम्युनिटी यहां पे डाल दिया है, फिलहाल कमेंट में मैंने एक पोल डाल दिया है, बताओ चैट में नेक्स्ट टूर्नामेंट क्या चाहिए वोट करो, ठीक है फुल मैप या क्लैश स्क्वाड, लेट्स सी आज का ये हाईएस्ट पोल क्या रहता है। फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हुए फोर असॉल्टर के खिलाड़ी टीम नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं मदारा, हाइड्रा, शिकारी, वेनम इनके साथ मौजूद। फिलहाल द एटम्स, वार हॉकी स्पोर्ट्स, ये सारी टीमें भी आज के इस मुकाबले के अंदर मौजूद। लेकिन ए टू ई स्पोर्ट्स की बात करूं तो दो खिलाड़ी मात्र रह गए हैं शेष जीवित, अकात्सुकी के भी दो ही खिलाड़ी मात्र रह गए हैं जीवित, और मोनू भाई के लिए यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मोनू भाई के लिए फिलहाल यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, देखते हैं कौन ज्यादा लड्डू खा सकता है इसका टूर्नामेंट रखो। अच्छा कौन ज्यादा लड्डू खा सकता है, वाह नाइस वन ब्रो। फिलहाल एक लेजेंड को यहां पर रिवाइव कर दिया जा चुका है, एक नया जीवनदान गॉड ई स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 4 किल पॉइंट्स इस टीम के नाम है। हॉकाई के खाते में 1 किल जो कि विन्नू भाई ने किया है। टीम नंबर 3 डेथ लॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो सैडो, इनसेन, शिवम, ऋषि अपनी लूट यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। फिलहाल आईआईटीएंस जीतेगी आज, बिल्कुल बिल्कुल फ्री कैफे बिल्कुल जीत सकती है अगर वो अच्छा खेलेंगे तो। डाल दो ब्रो डाल दो, बिल्कुल बिल्कुल मैंने पोल डाल दिया ब्रो चैट में, आप लोग वोट कर सकते हो। हेलो यूट्यूब भाई, हेलो स्टार एफएफ, कैसे हो मेरे भाई। फिलहाल अभी एके अभी और न्यूट्रॉन एफएफ, लूसिफर एफएफ सब यहाँ पे मौजूद हैं इस टीम में। दो अभी मौजूद हैं, न्यूट्रॉन एफएफ एक, लूसिफर एफएफ एक, तो अभी दो एफएफ दो। फिलहाल यहाँ पे किल्स बटोरते हुए हॉक शिवम 1 किल कर दिखाया इस खिलाड़ी ने। 39 बंदे मौजूद आज के इस मुकाबले के अंदर, अकात्सुकी एंड ए टू ई स्पोर्ट्स, वाओ वेरी डेंजरस, थैंक यू सो मच आकात्सुकी के लिए और ए टू स्पोर्ट्स के लिए। यहाँ पर हैशटैग लगता हुआ फिलहाल चैट बॉक्स के अंदर, 2 किल पॉइंट के साथ ए टू स्पोर्ट्स मैन डिसएडवांटेज में, लेकिन आकात्सुकी ऑफिशियल ने अपने चारों खिलाड़ियों को वापस से उनके दो दो पैरों पे खड़ा कर दिखाया है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर ए टू स्पोर्ट्स के डीएल को वापस से समाप्त कर दिया जा चुका है, 1 अगेन मैन डिसएडवांटेज फॉर द टीम साइड। आईआईटीएंस बैक कर रही है, कम बैक कर रही है यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से। विनिंग टीम का इंटरव्यू लेना, विनिंग टीम से इसके लिए अगर रेडी रहेगी तो बिल्कुल ले लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं उनको शायद हो सके तो बुलाऊंगा हाँ भी डिस्कॉर्ड पे, देखते हैं वो अगर आ जाए तो बहुत बेहतरीन बात है। कौन नहीं कोई नहीं आईआईटीएंस, बिल्कुल बिल्कुल फ्री बिल्कुल, जो बढ़िया खेलेगा वो आज आग लगाएगा। फिलहाल यहाँ पे सुमित, इम्तियाज, मैनी, केवियन लेफ्ट, और केवियन 7 लेफ्ट तो एक ऐसे इलाके में जा कूदे हैं जहाँ पे इनके अपोनेंट के टीम के खिलाड़ी मौजूद थे और जिस कारण से इनको यहाँ पर नॉकडाउन कर दिया गया है। 1 मैन डिसएडवांटेज फिलहाल यहाँ पर बन चुका है इनके लिए, इनकी टीम के लिए। फिलहाल यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाते हुए दर्शक चैट के अंदर, लेकिन इसी बीच यहाँ पर आईआईटीएंस के सुमित को समाप्त कर दिया जा चुका है। केवीएन 7 लेफ्ट यहाँ पे 2 किल करके समाप्त हो गए। मैनी को यहाँ पर टेक डाउन कर दिए गए। इम्तियाज यहाँ पर 2 किल के साथ बैक ऑफ कर रहे हैं, कोई और ऑप्शन नहीं इस टीम के पास फिलहाल। और देखो जिस तरीके का आप पॉजिटिव मैसेज चैट में देते हो, जिस तरीके का आप पॉजिटिव वाइब चैट में स्ट्रीम के अंदर क्रिएट करते हो, उसी तरीके का कहीं ना कहीं आपकी टीम का गेम प्ले भी हमें नजर आता है। फिलहाल यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अब तक बाकी की टीमों के द्वारा, सभी टीमों के द्वारा, लेकिन इसी बीच आकात्सुकी ऑफिशियल का यहाँ पर रास्ता रोकने का प्रयास कुछ टीमों के खिलाड़ियों के द्वारा। आज यहां से बैक ऑफ करेंगे लेकिन समाप्त हो जाएंगे, जी जी रिसीन को टेक डाउन करके दिखाएंगे।
जी ऋषि, यहाँ पे टीम नंबर 3 डेड लॉर्ड ही स्पोर्ट्स की ओर से, और आगे बढ़ता हुआ ये खिलाड़ी किल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। हॉकाई की ओर से जॉर्ज आर्ट विनू ठग दुर्गेश, 3 किल पॉइंट इस टीम के भी नाम है। कॉडी स्पोर्ट्स की ओर से धोनी केनिची डेविल जतन, बहुत ढेर सारे किल्स इस टीम के नाम, 6 किल पॉइंट्स टोटल। लेकिन इसी बीच आकाश की ऑफिशियल के मोनू एंड फ्रैंक, यार देखो कहीं ना कहीं किल एक है तो मैन डिसएडवांटेज के साथ साथ इनके पास थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत रहने वाला है कि किल पॉइंट्स इनके पास नहीं हुआ है, मैन नहीं अलाइव है, तो थोड़ा डर का माहौल अवश्य इन टीम के बीच में रहने वाला है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आकाशुकी के फ्रैंक ने सामना किया है सामने मौजूद खिलाड़ी को, उनका रास्ता रोकने का काम किया है, ये एक बहुत ही बेहतरीन मूव है, बहुत ही अच्छा गेम है कहीं ना कहीं। फिलहाल अब देखते हैं दोस्तों क्या रहता है आगे का सीन। लेकिन इसी बीच IITians के एक ही खिलाड़ी मात्र रह गए हैं अब से जीवित। A2 स्पोर्ट्स की बात करो थंडर और रे दो बंदे सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हॉकआई के वन मैन डिसएडवांटेज हमें देखने को मिल चुका है। देखते हैं फिलहाल आगे बढ़ते हुए सभी खिलाड़ी, टैडो इनसेन शिवम ऋषि, नीचे की टीम्स को एक बार देख लेते हैं। आकाश भी जैसे कि रैंक सामना सामना होता हुआ इन खिलाड़ी का, वन वर्सेस वन का ये मुकाबला बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लेकिन दो खिलाड़ियों की एंट्री हो जाएगी और काजू के मुंह पे पड़ा है धप्पा, जोरदार लगाया झटका और जिस कारण से बंदों ने इनको उठा गया पटका, और यहाँ पर काजू और लेजेंड दोनों जाएंगे समाप्त। आकात्सुकी वापस से कम बैक करने की उम्मीद में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो खिलाड़ी अब रह गए हैं सेज जीवित, तो मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। लेकिन A2 स्पोर्ट्स वापस से कम बैक कर चुकी है, तो दर्शक निराश ना होना क्योंकि टीम आपकी वापस से कम बैक कर चुकी है। IITians निराश ना होना क्योंकि IITians कर चुकी है कम बैक, ठीक है। फिलहाल आकात्सुकी को देख लो एक बार, आकात्सुकी की मोनो फ्रैंक आगे बढ़ रहे हैं। एक सेकंड में पानी लेके आया दोस्तों, आप लोग देखो ठीक है, आकाशुकी को देखो, मैं तुरंत पानी लेके आया। चलो हो रही है क्या, अच्छा रिवाइव दिया जा रहा है यहाँ पे, वाओ वेरी डेंजरस, यहाँ पर रिवाइव मिलता हुआ खिलाड़ियों को। लेकिन इनके सामने भी प्लेयर रिवाइव होके आ रहे हैं, मौका इनके पास किल करने का। फिलहाल आकाशुकी ऑफिशियल के फ्रैंक उसी ओर जा रहे हैं जिस ओर एक अभी अभी खिलाड़ी रिवाइव होकर आया कहीं ना कहीं। X5 कौन से प्लेयर है भाई, आप पहचान सको तो पहचान लो, फिलहाल X5 का कोई अगर नजर आ रहा है यहाँ पे तो पहचान सको तो पहचान लो, मैं दिखा रहा हूँ सबको एक एक करके, ठीक है। वापस से दिखाते हैं शुरू से, शुरुआत से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं मैं दोस्तों। देखो द एटम्स की ये टीम है, हॉक अभी एके अभी, और वाओ व्हाट अ शॉट दैट वाज, अभी अनबिलीवेबल माइंड ब्लोइंग। लेकिन इसी भी दुर्गेश भाई का भी यहां पर किल आता हुआ, दुर्गेश भाई यहां पर एक प्लेयर को समाप्त करके देखने को मिल पाए हैं। लेकिन यहां पे मुश्किलें बढ़ी, अभी 89 को समाप्त कर दिया जा चुका है, अभी 06 मात्र रह गए हैं अबसे जीवित। लेकिन यहां पे हॉक आई का मुकाबला चलता हुआ A2 स्पोर्ट्स से, जॉर्ज जॉर्ज भाई ने एक प्लेयर को यहां पर टेक डाउन देने का काम किया है फिलहाल, लेकिन दुर्गेश भाई का थर्ड पार्टी हो गया और वो समाप्त कर दिए गए। जॉर्ज जाट और ठग लास्ट टू मैन सर्वाइविंग फ्रॉम द टीम साइड, टीम
टीम नेम बोलो दोस्तों, आप लोग टीम नेम बोलो। अरे फ्रीक ब्रो, जस्ट चिल बड़ी एंजॉय। आदि एक्स देखो पानी लाने गया है। हाँ भाई पानी पीने गया था भाई, प्यास लगती है, इंसान हो भाई प्यास लगती है भाई, क्या करें भाई इंसान। और यहाँ पे रॉकी भाई का होता हुआ खात्मा इसी के साथ। रॉकी भाई चले गए बैक टू द लॉबी। ए टू स्पोर्ट्स दो किल के साथ चले गए बैक टू द लॉबी, लेकिन अभी भी मौजूद है इस लॉबी के अंदर तो कोई है तो डेड लॉगी स्पोर्ट्स जिसके एलन हो गए समाप्त। लेकिन एलन को समाप्त किया गया, लेकिन यहाँ पे IITians भी जिंदा है अभी। KVN7 लेफ्ट और इम्तियाज भाई एटम्स अपना है स्माइली। अच्छा PW प्लेयर्स का भी मैच रखो, PWD प्लेयर्स का। अच्छा लेकिन एक बार हॉकाई को देख लो आप लोग, हॉकाई के जॉट जाट थक दुर्गेश कैसे लड़ाई कर रहे हैं, देखो देखो किस तरीके से आमना सामना हो रहा है इन खिलाड़ियों का। वन वर्सेस वन का सिनेरियो, हेड वर्सेस हेड था ये, और ठग भाई का खूबसूरत कवर आया जिस कारण से शायद अब यहाँ पर जॉट जाट भाई को रिवाइव दिया जा सकेगा। जॉट जाट ठग दुर्गेश यहाँ पे मौजूद, GRSE इनसेन 7 किल पॉइंट्स, और ऋषि को भी यहाँ पे समाप्त किया गया, मतलब कि इनसेन इज नाउ द लास्ट सोलो मैन सोलो सर्वाइवर फ्रॉम हिज टीम साइड, जो इकलौता कर रहा है सर्वाइव अभी। 06 और लूसिफर FF यहाँ पे मौजूद, 4 किल पॉइंट द एटम्स के नाम। और हॉक आई की बात करूं तो देख सकते हो किल्स कितना है, और लो एक और किल जोड़ लो खाते में, एक और किल जोड़ लो अब तो खाते। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल। अब तो दुर्गेश भाई के ऊपर ही है पूरी टीम की जिम्मेदारी। ओ माय गॉड, फोरेस्ट ऑल्टर का क्या हुआ दिखाओ ना ब्रो। फोरेस्ट ऑल्टर मर गई शुरू में ही, फोरेस्ट ऑल्टर शुरू में ही मर गई। फोरेस्ट ऑल्टर, ए टू स्पोर्ट्स, समझ रहे हो, ये सब टीम नंबर 2 जो थी, जो कि वॉरहॉक स्पोर्ट्स थी, ये सब मर गई ब्रो, वरना मैं जरूर दिखाता। जो जिंदा है मैं उनको देखो, अकात्सुकी ऑफिशियल भी अभी जस्ट मरी, और धोनी यहाँ पर सोलो सर्वाइव कर रहे हैं गॉड ईस्पोर्ट्स की ओर से। हॉकाई की ओर से दुर्गेश भाई सोलो सर्वाइव कर रहे हैं, वन वर्सेस वन का इनका ये मुकाबला है, गौर फरमाना इनके मुकाबले में। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक खिलाड़ी ये भी है जो 3 नंबर टीम का है, ठीक है, जो कि डेथ लॉर्ड का है, तो आप किसी एक को ही दिखा पाऊंगा एक वक्त, समझ ही रहे हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हॉकाई बैक टू द लॉबी जाती हुई नजर आई है। यहाँ पर इनसेन जो कि डेथ लॉर्ड ईस्पोर्ट का सोलो सर्वाइवर था, उसने यहाँ पर इनको समाप्त करने का काम किया है। लेकिन आका बात करो गॉड ईस्पोर्ट की, तो धोनी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं 16 किल पॉइंट के साथ, ये जोड़ लीजिए इसका 17वां किल, 17वें किल के साथ क्या एक और किल कर जाएगा धोनी। धोनी 1 vs 2 का सिनेरियो, धोनी के सामने बंदे काफी ज्यादा शॉट लगाते जो कि गंदे काफी ज्यादा, और अल्ताफ भाई यहां पर कर दिखाया, कहलाया आग लगाया और मैच के अंदर मचाया। IITians और गॉड ईस्पोर्ट्स दोनों एक साथ बैक टू द लॉबी, और हॉकाई भी इनके साथ जाते हुए। 4 खिलाड़ी और मौजूद आज के इस मुकाबले के अंदर। डेडलॉक ईस्पोर्ट्स के पास मैन एडवांटेज रहने वाला है, टीम नंबर 3 डेड लॉर्ड है, गौर करना। ओ माय गॉड, ले भैया वो डेड लॉर्ड ने तो अपने प्लेयर्स को रिवाइव ही कर दिया, और एक ही भाई है जो सोलो सर्वाइव कर रहे हैं, मोहित अल्ताफ लास्ट 2 मैन सर्वाइविंग। आसमान से आते हुए क्या हमें यार जैसे प्लेयर्स देखने को मिलेगा, देखते हैं। लो जी एक तो मिल गया, एक मिल गया, क्या दूसरा भी मिलेगा? नहीं 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 नहीं, शॉर्ट रेंज में मोहित भाई के ऊपर आ चुका है खिलाड़ी, लगा चुका है शॉट, क्या लगाएगा हेडशॉट? नहीं, मोहित भाई ने बहुत अच्छा टक कर दिया यार। ये मुकाबला तो अब 1v1 का हो चुका है, ऋषि वर्सेस अल्ताफ हो चुका है, और अब ये ऋषि अल्ताफ वर्सेस हो चुका है, तो ऋषि भाई अकेले सोलो और हो जाएंगे समाप्त यहाँ पे इसी के साथ। डेड लॉक कह सकते हैं ईस्पोर्ट्स लगभग करने को आई है भूया, डेड लॉक ईस्पोर्ट्स कर सकती भूया ऐसा लग रहा है मुझे। टीम नंबर 9 डेड लॉक ईस्पोर्ट्स, डेड लॉक ईस्पोर्ट्स बनाम द एटम्स, 1 vs 2 का सिनेरियो, सामने 2 खिलाड़ी और अभी भाई अकेले सोलो सर्वाइवर। अभी को देखते हैं कौन मारेगा इनको, पता लगाएंगे। फिलहाल अभी द लास्ट मैन एंड द लास्ट वॉय सर्वाइविंग फ्रॉम इस टीम साइड, जोन का कवर इनके पास है, आगे थोड़ा सा और इनके पास कवर है, लेकिन ग्लू वॉल लगाई है। आगे बढ़ता हुआ खिलाड़ी, ग्रेनेड आता हुआ इनके ऊपर, हमला किया है 2 खिलाड़ियों ने, लेकिन काफी लोग किया गया है एक और खिलाड़ी को, और अभी कर सकते हो, यू कैन डू इट। 1 vs 2 के सिनेरियो, आमने सामने देखते हुए खिलाड़ी जोरदार शॉट यहाँ पर लगाने का प्रयास, मिस हुआ शॉट, इन्होंने किया मिस, क्या सामना लेकर के, हिट देखने वाली बात, और बिल्कुल यहाँ पर बेहतरीन हेड शॉट, लेकिन दूसरे का आएगा बॉडी शॉट, और यहाँ पर
इसी के साथ टीम डेडलॉक ईस्पोर्ट्स कर दिखाएगी आज के तीसरे मैच कलहारी मैप के अंदर पूया 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 दोस्तों, बहुत ही ज्यादा शानदार जानदार तड़कता भड़कता चलता हुआ ये आज का हॉकी प्रीमियर लीग सीजन वन का ग्रैंड फाइनल का मैच। लेडीज एंड जेंटलमैन कृपया ध्यान दें, डेडलॉक ही स्पोर्ट्स बनी है वो टीम जिसने तीसरे मैच में बूया किया है। ले भैया उम्फो, मतलब इस मैच में तो किसका किसका सिक्का चला ये आप खुद देख सकते हो स्कोर बोर्ड देखकर। फिलहाल यहां पर डेडलॉक ही स्पोर्ट्स 16 किल के साथ टॉप वन पे, दूसरे पे यहां पे रहने वाले हैं द एटम्स के खिलाड़ी, द एटम्स की टीम 8 किल के साथ। तीसरे नंबर पे यहां पर डेथ लॉर्ड्स रहने वाले हैं 10 किल के साथ। चौथे पे गॉड ईस्पोर्ट्स रहने वाली है यहां पर 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 किल्स के साथ लगभग। पांचवे पे आईआईटीएंस रहने वाली है, छठवे पे यहां पे हॉकी रहने वाली है, आकात्सुकी 8वें पे रहने वाली है, 10वें पे A2 ईस्पोर्ट्स रहने वाली है यहां पे 2 किल के साथ। फोर रिसॉल्टर यहां पर 11वें नंबर पे नजर आ रही है। तो किस इस प्रकार का दोस्तों आज का ये तीसरा मैच था, लेकिन अभी भी 2 आखिरी के मैचेस बाकी हैं। वो दोनों मैचेस ही कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे कि कौन सी वो टीम है जो विनर 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 बनी है। यहाँ पे ₹2500 प्राइज पोल लेकर जाएगा कौन कौन बनेगा डॉन आज के हॉकी प्रीमियर लीग सीजन वन का ग्रैंड फाइनल जाएगा किसके नाम, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिना आपका एक भी मिनट वेस्ट किए आज के इस चौथे मैच को चलो कर देते हैं शुरू। तो कहीं जाओ मत, रुक जाओ, ब्रेक नहीं है, तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं। टीम नंबर 2 देख लेते हैं एक बार कहां मिसिंग है। बस टीम 2 वार हॉकी स्पोर्ट्स पूछ लेते हैं, देख लेते हैं। गन प्रॉपर्टी नो है गाइस, कौन कह रहा था गन प्रॉपर्टी ऐसे सचिया गए हो क्या तुम लोग, गन प्रॉपर्टी नो है ब्रो। देखो जेनरिक आउटफिट भी ऐसे है, अब क्या लोगे। फिलहाल यहां पे आज का ये मुकाबला प्रारंभ कर दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ यहां पे आज का ये मैच स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल दोस्तों आज का ये चौथा मैच लगाकर यहाँ पर शुरू कर दिया गया। चैट में जय श्री राम लग रहा है, इसी टीम का नाम नहीं सिर्फ जय श्री राम लग रहा है, वाह ये हुई नवाज ओनली अल्लाह अकबर कुछ लोग कह रहे हैं। हाँ ये कर लो पहले, आज तो यही लगा लो, अब मैं कह रहा हूँ देखते हैं किसका ज़्यादा वोट आता है, कौन ज़्यादा नारेबाजी करके दिखाता है। चलो लग गई अब इसी पे सर, जाओ कर लो चैट में अब यही करना चाहते हो तो। फिलहाल दोस्तों आज का ये मुकाबला, विनीत भाई यहाँ पे सोलो आए हैं, ओ माई गॉड। आज का ये चौथा मैच हॉकी प्रीमियर लीग सीजन वन का द ग्रैंड फाइनल का ये मुकाबला दोस्तों आज का फर्स्ट लास्ट मैच, देखने कैसा रहता है। फिलहाल यहां पे उतर चुकी है कोर्सोल के अंदर टीम। हाउ टू ज्वाइन हॉकी गिल्ड, इट्स वेरी सिंपल ब्रो, कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको फिलहाल यहां पे A2E स्पोर्ट्स इनिशियल स्टेज में नॉक डाउन होते हुए RDE उनके मुख्य रशर को यहां पर समाप्त कर दिया गया है। वन मैन डिसएडवांटेज यहां पर, सभी खिलाड़ी घर के अंदर मौजूद पूरी तरीके से तैयार। वहीं दूसरी ओर यहां पर कहीं ना कहीं फोर एसॉल्टर भी फाइट कर ले रही है, तो हाथ कर रही है बीस्ट सोलो खिलाड़ी, कोई मौका नहीं यहां से बैक ऑफ करना चाहिए इनको, क्यों ले रहे हैं ये फाइट मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन घिर चुके हैं पूरी तरीके से, अब मुकाबले के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। लेकिन बेहतरीन शॉट, खूबसूरत नॉक यहां पर, लेकिन पीछे से आएगा खिलाड़ी नॉकडाउन कर दिखाएगा
समाप्त करके यहाँ पे अपना दबदबा बनाई आईआईटी इस मुकाबले के अंदर। चारकल फोर असॉल्टर्स के नाम मिलता हुआ इनको A2E Sports, लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर डीएल ने एक खिलाड़ी को नॉकडाउन करने का काम किया है। सामने आता हुआ खिलाड़ी जो कि यहाँ पर नॉकडाउन हो जाएगा, लेकिन थंडर सामने मौजूद है, खिलाड़ी को नॉक करने का प्रयास करते हुए सामने साथ हुए बंदे को यहाँ पर टेक डाउन किया जाएगा या नहीं देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल थंडर यहाँ पे हमला बहुत जोरदार कर रहे हैं, लेकिन रे द लास्ट मैन एंड द लास्ट होप, एक नया जीवन दान देने के लिए ये खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयार है, यहाँ पर तत्पर है ये खिलाड़ी और A2E Sports का कमबैक होना तय है। लेकिन किल्स नहीं मिल पाया, बस इस चीज का अफसोस। लेकिन अब तो रे भाई भी पकड़े गए हैं, अब तो रे भाई को बैक ऑफ करना होगा यहाँ से, अपनी जान बचानी होगी फाइट लेने के बजाय। चारों खिलाड़ी को यूनाइट होके खेलना होगा, लेकिन IITians चारकिल खुशियां आती हुई खेमे में। अकात्सुकी ऑफिशियल एक किल मोनू भाई के खाते में। कॉडी स्पोर्ट्स लेकिन दो किल के साथ सोलो सर्वाइव कर रहा है ये खिलाड़ी जतिन, और A2E Sports के ही रे के सामने जतिन है स्नाइपर बना हुआ, स्नाइपर और जतिन भाई पकड़े गए। ओ माय गॉड, A2E Sports के डीएल यहां पे कूदे हैं, आरडी यहां पे कूदे हैं और सोलो सर्वाइवर भैंस की आंख। गॉड ई स्पोर्ट्स बैक टू द लॉबी चली गई। ओ माय गॉड, सिट गाइस, ये क्या हो गया? गॉड ई स्पोर्ट्स गई बैक टू द लॉबी सीधा। शिट डीएल, ओ लेकिन हॉकाई की ओर से विनो भाई आसमान की ऊंचाइयों में थे आप, आपको यहां से फायदा उठाना चाहिए था, ऐसे नॉकडाउन नहीं होना था। लेकिन फिलहाल जॉर्ज जाट भाई यहां पे मौजूद हैं, शायद रिवाइव कर दें अपने सभी खिलाड़ियों को, प्रेशर में है टीम। फिलहाल 33 खिलाड़ी और मौजूद आज के इस मुकाबले के अंदर। बिनी 02 सोलो सर्वाइवर यहां पे रहने वाला है, लास्ट मैन एंड द लास्ट होप फ्रॉम हिज टीम साइड, और हो गए समाप्त। एक फ्री का किल दे दिया टीम नंबर 9 को यहां पर कहीं ना कहीं इन्होंने, डेडलॉक ई स्पोर्ट्स की ओर से चार किल पॉइंट और A2E Sports के। लेकिन डीएल को इस बार समाप्त कर दिया जा चुका है। थंडर रे और आरडी मौजूद, रे का बेहतरीन शॉट मिलेगा, एक नॉक मिलेगा किल, लेकिन रे भी हो जाएंगे नॉक और आरडी मौजूद, आरडी एक और किल करने का प्रयास है, मिली है सफलता। सामने एक बंदा, लेकिन ओ बैक टू बैक दो खिलाड़ियों को नॉक मिला है, काफी गंदा। जी जी ऋषि, काफी बेहतरीन गेम था ऋषि का ये तो, और तीन खिलाड़ी को यहाँ पर रिवाइव देने का काम करेगी अब टीम। जी आर ऋषि ट्रिपल किल यहाँ पर इनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें देखने को मिला। A2YOP, हाँ मेरी जान, शुक्रिया भाई, सबसे रिक्वेस्ट है रिलीजन मत लेके आओ, बिल्कुल यार मत लेके आओ, ठीक है, मत लेके आओ, बदमाश ना करो। लेकिन बंदे मानने वाले कहाँ हैं, एक कहेगा अभी जय श्री राम तो दूसरा कहेगा अल्लाह हू अकबर, तो वो कहेगा वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। फिलहाल यहाँ पे हमें देखो, दोनों को बोलो, हम देखो दोनों को बोलो, बिल्कुल बिल्कुल सबको बोलो यार गाइस, आप आपकी पसंद है जो मन करे वो बोलो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे द आइटम्स जिन्होंने तीसरे मैच के अंदर बुआ किया था वो चौथे मैच के अंदर बैक टू द लॉबी जा चुके हैं। IITians की बात करूँ तो यहाँ पे एक दो खिलाड़ी को समाप्त कर दिया चुका है A2E Sports की ओर से। थंडर सोलो सर्वाइव कर रहे हैं, मैनी भाई नॉकडाउन कर जाएंगे, इम्तियाज सोलो सर्वाइवर बैक ऑफ करता हुआ एक खिलाड़ी आज का चौथे मैच के अंदर। बहुत ज्यादा फाइट ले रही हैं सभी टीमें, और ये खिलाड़ी तो अब आ चुका है सीधा रिवाइव करने के लिए, मन बना चुका है ये खिलाड़ी, लेकिन ऐसा लग रहा लॉन्च पैड इस्तेमाल करके जाएंगे ये। अच्छा ठीक है, अच्छा सेम लोकेशन जाओगे, वाह भैया, ओ भाई साहब देखो पेड़ पे गिर गए आप तो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे A2E Sports तीन किल के साथ बैक टू द लॉबी चले गई दोस्तों, A2E Sports तीन किल के साथ बैक टू द लॉबी चले गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगभग 7वें-8वें पोजीशन पे आई गेस, तो ये बहुत ही बुरी खबर है टीम A2E Sports के लिए। फोर रिसॉल्टर भी बैक टू द लॉबी जा चुके हैं, द आइटम्स भी बैक टू द लॉबी जा चुकी है, साथ ही साथ गॉडी स्पोर्ट्स भी बैक टू द लॉबी जा चुकी है। तो यहाँ पे अकात्सुकी लेकिन अभी भी मौजूद है, तो अकात्सुकी अपना दबदबा बना रही है सीधा चैंपियंस ट्रॉफी लेने के फिराक में है अकात्सुकी यहाँ पे। यहाँ पे फिलहाल लेजेंड मोनू फ्रैंक काजू एक किल के साथ के खिलाड़ी मौजूद आज के इस मुकाबले के अंदर। हॉकाई की ओर से जॉर्ज जॉर्ज विनू ठग दुर्गेश चार खिलाड़ी, साथ ही साथ यहाँ पे डेथ लॉर्ड की ओर से सैडो इनसेन शिवम ऋषि आगे बढ़ते हुए सभी खिलाड़ी। अकात्सुकी ऑफिशियल के लेजेंड यहाँ पे एक किल निकाला है, 26 खिलाड़ी मौजूद आज के इस मुकाबले के अंदर। जो देख सकते हो दोस्तों किस प्रकार का बन रखा है और किस तरीके से यहाँ पे श्रिंक करता हुआ नजर आएगा अब ये जोन, वो कहे तो है पर उसके कहने का ढंग तो देखो, समझा नहीं मैं। शुरुआत
उस ने करी थी। अरे नो हेट, इफ यू वांट टू प्रमोट यू कैन प्रमोट, बट नो हेट, जो हेट देगा उसको मैं म्यूट दूंगा, टाइम आउट दूंगा, ठीक है। तो नो हेट टू एनीवन, अपने नाम बनाना है तो बनाओ, बाकी ठीक है, हेट मत देना किसी को, समझ रहे हो। फिलहाल लेट्स सी लेजेंड मोनू फ्रैंक, देखो टाइम आउट किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन जो हेट फैलाएगा टाइम आउट उसको तुरंत मिल जाएगा। तुम कुछ भी बोलो, कितना भी इंजॉय करो, कुछ भी नारेबाजी करो, कुछ भी हैशटैग लगाओ, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन हेट फैलाओगे तो मैं खुद रोक दूंगा, ठीक है दोस्तों, एग्री ना। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन फिलहाल इसी बीच यहाँ पे अकात्सुकी ऑफिशियल बहुत ही मजबूती के साथ खेलती हुई, आईआईटीएंस भी उससे कहीं ज्यादा मजबूती के साथ खेलती हुई। एवियन 7 लेफ्ट, देख रहे हो 5 kill 3 kill 8, ये ले लो 2, ये ले लो 10 और 2, ये ले लो 12। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों, ये जो फाइट है ना, वो कहीं ना कहीं अकात्सुकी आईआईटीएंस हॉकआई, समझ रहे हो, एक बुयत एटम्स ने भी कराए तो एटम्स, डेडलॉक ने भी एक कराए तो डेडलॉक भी हो सकती है, समझ रहे हो, तो इन लोगों के बीच कहीं ना कहीं रह सकता है। ए टू ई स्पोर्ट्स भी थोड़ी बहुत नजर आएगी तीसरे चौथे नंबर पे शायद, अगर पचवा मैच अच्छा करती है। रॉकी साहिल, साहिल यहाँ पर जाएंगे, मार खाएंगे और नॉकडाउन हो जाएंगे। रॉकी का फिलहाल यहाँ पे बैक ऑफ होता हुआ, राघव 98 और गॉड इगेन यहाँ पे मौजूद। दोस्तों शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए स्ट्रीम को, रूल्स का नहीं मालूम है, किसको रूल्स का नहीं मालूम है बीस्ट, किसको रूल्स का नहीं मालूम है ब्रो, क्या हो गया, रूल्स का नहीं मालूम इन्हें, किसको क्या चीज नहीं समझा मैं। फिलहाल सैडो इनसेन शिवम ऋषि 7 kill के साथ मौजूद, 26 ओवरऑल खिलाड़ी आज के इस मैच के अंदर। हॉकआई की टीम धीरे धीरे जोन के अंदर क्लोजिंग करती हुई, देखो जब ये जोन ना ये बन जाएगा ना, इतना बड़ा बन जाएगा ना, फिर जब श्रिंक करना स्टार्ट होगा ना, तब तुमको आएगा मजा। हम एटू भैया उसे दे दो म्यूट, हेट फैला रहा, नहीं नहीं अब मैं देखूंगा जिसको उसको दे दूंगा सीधा, मैच देखो, इस सब छोड़ो तुम लोग पहले, बिल्कुल साइबलस लेट इट बी, मैं देख लूंगा, डोंट वरी साइबलस, एंजॉय, आई एम हियर टू डू इट, एंजॉय। फिलहाल लेजेंड मोनू फ्रैंक काजू, और यहाँ पे फ्रैंक को लेकिन इसी बीच नॉकडाउन कर दिखाया गया है, वन मैन डिसएडवांटेज फॉर टीम अकात्सुकी ऑफिशियल, लेकिन यहाँ पर पूरा फायर अपना झोंक देने का प्रयास कर रहे हैं अकात्सुकी ऑफिशियल के मौजूदा 3 खिलाड़ी, फायर पावर देने का प्रयास कर रहे हैं और सफलता मिलेगी। जीडी मैरी को यहाँ पर टेक डाउन कर दिया जा चुका है, वन मैन अगेन डिसएडवांटेज, तो 3 खिलाड़ियों को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। हाय टू भाई, ये बताओ ना मेरे को, ये मैनेजमेंट टीम ने गन प्रॉपर्टी ऑफ थी, ऑन क्यों करी यार, ऑफ है पगला, ऑफ है। अभी आप बैक करके देखो, बैक करके देखो, ये चौथा मैच स्टार्ट होने से पहले देखो बैक करके, मैंने स्पेशली दिखाया है, ऑफ है, जेनरिक आउटफिट यस है, गन प्रॉपर्टी नो है। फिलहाल यहां पे सुमित इम्तियाज वैनी केवियन 7 लेफ्ट अकात्सुकी ऑफिशियल बॉडी स्पोर्ट्स इस मैच से बाहर, ए2 स्पोर्ट्स इस मैच से बाहर, फोर सॉल्टर इस मैच से बाहर कहीं ना कहीं, लेकिन राघो 98 और गॉड इरेन टीम नंबर 12 को कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है क्या, X2 से कोई नहीं दिख रहा, X2 से कोई नहीं दिख रहा है क्या दोस्तों, लाल फूल नीला फूल ए2 भैया ब्यूटीफुल, अरे भाई 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 थैंक यू। फिलहाल यहाँ पे गॉड इरेन द सोलो सर्वाइवर, भाई को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा मैं, लेकिन वही दूसरे और हाइड्रा और वेनम FF लास्ट टू मैन सर्वाइविंग फ्रॉम द टीम साइड, देखते हैं आगे शायद इनके बंदे रहने वाले। टीम नंबर 9 मोहित अल्ताफ एलन बॉडी जोन के अंदर क्लोजिंग करती हुई, सभी टीमें राइट हैंड साइड की ओर से, कुछ टीमें लेफ्ट हैंड साइड की ओर से, यहां पे नॉकडाउन करने का प्रयास, इनसे इनको नॉकडाउन कर दिखाएंगे और किल अपने खाते में लेते हुए नजर आएंगे। 6 2 12 kills लगभग, 6 3 18 और 2 20 2 22 किल यहां पर आई आईटीएंस के खाते में, भाई इतना किल्स कर रही है लोग, वाओ। लेकिन देखते हैं दोस्तों एक और बार हमला करने का प्रयत्न, मैनी इम्तियाज
अभी भी लेकिन मौजूद दो बंदे आईआईटी को बड़ा झटका लग चुका है। 17-3, 20-3, 23 किल के साथ आईआईटी लेकिन सबसे ज्यादा अभी तक किल पॉइंट्स के मामले में सबसे ज्यादा आगे। बंदों को पकड़ा है, मुट्ठी में जकड़ा है इम्तियाज, लेकिन सोलो सर्वाइवर, इनको जोन में जाना होगा, अपनी जान को जो है बचाना होगा, लेकिन दुर्गेश भाई बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं और धो डालेंगे एकदम सर्फ एक्सेल और टाइट की धुलाई के जैसा। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दुर्गेश भाई, दुर्गेश विन्नू और दुर्गेश भाई भी अब तो बैक टू द लॉबी जा सकते हैं। हॉकआई के लिए खतरा बढ़ता हुआ फिलहाल यहाँ पे दुर्गेश भाई द लास्ट मैन एंड द लास्ट फ्रॉम टीम हॉकआई, टीम नंबर 3 बैक टू द लॉबी जा चुके। टोटल अभी मात्र 12 खिलाड़ी मौजूद आज के इस मुकाबले के अंदर। बैक ऑफ करते हुए कहीं ना कहीं जोन से अब दूसरी छोर की ओर जाते हुए हमारे दुर्गेश भाई हॉकआई के खिलाड़ी। सामने एक बंदा मौजूद, उसके अंदर खुद के शॉट लगाने का प्रयत्न किया था लेकिन वेनम ने धो डाला है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भरा था ये खिलाड़ी और बहुत ही बेहतरीन समापन यहाँ पे टीम हॉकआई का, चौथे नंबर पे एलिमिनेशन होता हुआ। लेकिन आकाश के ऑफिशियल मैन एडवांटेज में बहुत ही अच्छा लीडिंग एड्स लेती हुई ये टीम आज के इस मैच के अंदर बहुत ही हुई नजर आ रही है टीम के सभी खिलाड़ियों को। काजू, फ्रैंक, मोनू लेजेंड, आगे बढ़ते हुए सभी बंदे। दूसरी ओर मोहित, अल्ताफ, एलन बॉटी, देखते हैं दोस्तों क्या सीन रहता है। अकात्सुकी के साथ ही साथ डेडलॉक की स्पोर्ट्स भी मौजूद है। 4 vs 4 का ये मुकाबला, फाइट पे फाइट, नॉक पे नॉक, कौन बनेगा डॉन ये बड़ा सवाल। लेकिन दिस टीम इज गोइंग टू विन दिस मैच ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अकात्सुकी ऑफिशियल आगे बढ़ती हुई, 11 किल है अकात्सुकी ऑफिशियल के पास, मैन एडवांटेज दोनों के पास बराबर। अल्ताफ को यहाँ पर लोग अवश्य किया गया है लेकिन अल्ताफ परमानेंट कवर में जाते हुए। लेकिन अकात्सुकी ऑफिशियल के फ्रैंक ने इसी बीच एक बहुत ही बेहतरीन नॉक निकालने का प्रयत्न किया था लेकिन वो खुद ही नॉक हो गए हैं, नहले पे दहला दी डाला है। टीम सामने मौजूद, बहुत बेहतरीन शॉट काजू लगाएंगे यहाँ पर, एक प्लेयर को नॉकडाउन निकाल कर दिखाएंगे यहाँ पर। लेकिन एक और खिलाड़ी का पर रस हो जाएगा, वो खिलाड़ी लेकिन नॉकडाउन हो जाएगा और कम बैक करती हुई टीम अकात्सुकी ऑफिशियल आज के इस मैच के अंदर। फिलहाल मैन एडवांटेज में थी लेकिन कहीं ना कहीं डेडलॉक की स्पोर्ट्स, लेकिन अब मैन डिसएडवांटेज में जाती हुई नजर आ रही है डेडलॉक की स्पोर्ट्स। और यहाँ पर मैन एडवांटेज अपना 3 खिलाड़ियों को बढ़ा चुकी है यहाँ पर अकात्सुकी ऑफिशियल। एलन सामने मौजूद, हेडशॉट लगाने का प्रयास एलन के द्वारा लेकिन यहाँ पर लगा ना सके एलन। और यहाँ पे अल्ताफ लास्ट टू मैन और बॉटी तो नॉक भी पड़े हैं। रश आता हुआ अल्ताफ के राइट से, एलन के लेफ्ट से, आगे बढ़ते हुए लेजेंड मोनू काजू और मोनू का शॉट, काजू का नॉक, बॉटी हो चुके नॉक अल्ताफ के लिए। अल्ताफ एलन, यहाँ पे 3 vs 2 का सिनेरियो, 5 खिलाड़ी मौजूद। आज का ये चौथा मैच हॉकआई प्रीमियर लीग सीजन 1 का द ग्रैंड फिनाले, ₹2500 प्राइस पूल का ये मुकाबला दोस्तों यहाँ पर आ चुका है अंत होने को। 3 बंदे एक तरफ, 2 बंदे एक तरफ, 3 vs 2 का सिनेरियो। अकात्सुकी अपना मैन एडवांटेज खोना नहीं चाहती है बिल्कुल भी और मैन एडवांटेज को बरकरार रखती हुई ये टीम आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे क्लोजिंग करती हुई, रश करती हुई देखने को मिल पा रही है। काजू आगे बढ़ेंगे, शॉट लगाने का प्रयत्न यहाँ पर खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन मिलेगा लेजेंड के द्वारा बहुत ही खूबसूरत नॉक। और अब लास्ट बंदा, लास्ट उम्मीद हो जाएगा, समाप्त अल्ताफ जाएगा बैक टू द लॉबी, क्लोन जाएगा बैक टू द लॉबी और अकात्सुकी ऑफिशियल का ये आज के 4 मैचेस के अंदर तीसरा भूया। फर्स्ट मैच अकात्सुकी, सेकंड मैच अकात्सुकी, थर्ड मैच डॉगी स्पोर्ट्स और फोर्थ मैच अगेन अकात्सुकी ऑफिशियल के नाम जा चुका है भूया। आज का ये 3 मुकाबला बहुत ही शानदार, जानदार, वन साइडेड तरीके से टीम अकात्सुकी ने अपने नाम कर दिखाया है, अपना नाम बनाया है, जलवा दिखाया है, कह रहा है। लेकिन दोस्तों प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार की, पोजीशनिंग कुछ इस प्रकार की कि यहाँ पे टोटल 10, 2 12, 2 14, 1 15 किल के साथ टेबल टॉप 1 की आई टीम ने। सेकंड नंबर पे आई है डेडलॉक की स्पोर्ट्स, 6 सारे किल पॉइंट के साथ, या यू कह ले 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 किल के साथ। लेकिन थर्ड पे यहाँ पे हाइड्रा विनम शिकारी भी 3 किल के साथ हैं। हॉकी की बात करें तो 3 किल चौथा पोजिशन, आई आई टेंस की बात करें तो 5 × 2 = 10, 7 = 17 और उसमें 6 जोड़ लो तो हो जाता है 23 और 5वें पोजीशन पे ये टीम। A2E स्पोर्ट्स 8वें पे रहने वाली है लेकिन गॉडी स्पोर्ट्स यहाँ पे 11वें पे, S4 रिसॉल्टर 12वें पे। तो 4 मैचेस का अंत तो कुछ इस प्रकार से हुआ है मेरी जान। लेकिन अब बारी है उस आखिरी मैच की, उस फाइनल शोडाउन के मैच की, एंड दिस मैच इज गोना डिसाइड दैट विच टीम इज गोना विन, विच टीम इज गोना बी द चैंपियन ऑफ दिस हॉकआई प्रीमियर लीग सीजन 1। तो देखते हैं दोस्तों कैसा रहता है आज का ये मुकाबला,
जिसने लाइक नहीं किया वो फटाफट से लाइक कर दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों फटाफट से। फिलहाल अब करते हैं इस आखिरी मैच को यहाँ पर शुरू, इस आखिरी शोडाउन को यहाँ पर शुरू कुल 11 टीमों के साथ, क्योंकि यहाँ पे वापस भग चुकी है वार हॉकी स्पोर्ट्स। अंडरडॉग्स की यही कमी है, उन्हें लगता है हम नहीं जीत रहे हैं तो वो भग जाते हैं, फिर अंडरडॉग्स कहती है हमें आप मौका क्यों नहीं दे रहे हो भैया। देखो हमने तो पूरा अंडरडॉग्स ही खिलाया दोस्तों, समझ रहे हो, हमने तो पूरा अंडरडॉग्स खिलाया, अब उसके बावजूद अंडरडॉग्स ये करेगी अपन क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो। लेकिन फिलहाल चलो स्टार्ट कर दिया हमने ये मुकाबले को यहाँ पे फिलहाल आज का ये मुकाबला इसी के साथ शुरू हो चुका है दोस्तों। कुल 10 टीमों के साथ दो अंडरडॉग्स ने बैक कर दिया, यहाँ पे हार मान चुकी है वो दो टीमें, लेकिन फिलहाल अब देखते हैं। और ऐसी खबर मिल रही है कि शायद रीमैच हो सकता है, देख लेते हैं। लेकिन ये खबर मिली कहां से है? ओके ओके एक सेकेंड, ओके गाइस, बट मीनवाइल दोस्तों आज का ये पांचवा मैच हॉकआई प्रीमियर लीग सीजन 1 का ग्रैंड फाइनल का ये मैच है नंबर 5 कहीं ना कहीं, और आज का ये मुकाबला फिलहाल दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी लोगों के सामने। लोग काफी वोट कर रहे हैं दोस्तों, हमने एक पोल कर रखा है उसको वोट कर दो सारे बंदे, ठीक है, और शायद इसके बाद एक और मैच हो सकता है, तो यहां पे एंजॉय करो आज के ये मुकाबले को। फिलहाल प्लाजा प्लाजा क्लैश लैंडिंग किसके द्वारा दिखने को मिल रही है एक बार देख लेते हैं, यानी चीज धोनी, ये लोग भी ट्विन ब्रिज जा रहे हैं, आकाश की ऑफिशियल यहाँ पे है कहीं ना कहीं, आईआईटी दूसरी छोर पर, ए टू ई स्पोर्ट्स का क्लैश लैंडिंग हुआ है यहाँ पर, ए टू ई स्पोर्ट्स का क्लैश लैंडिंग हुआ है। आर डी ने एक को नॉकडाउन भी निकाला है और फिनिश ऑफ कर दिखाया है, रे ने भी एक को नॉक किया है और उसको भी समाप्त कर बताया है, और यहाँ पर अब दो खिलाड़ी सामने वाली टीम में मौजूद रहने वाले जो कि टीम नंबर 12 के रहेंगे, साहिल और गॉड इरेन। और यहाँ पे दोनों खिलाड़ी को लेकिन वापस से रिवाइव भी कर दिया गया है, लेकिन चार किल कैसे आ गए इस टीम के खाते, ये क्या मैं देख रहा हूँ, चार किल A2 Esports के नाम आ गया, लेकिन IITians यहाँ पर 2-man disadvantage में और हॉकाई के यहाँ पर खिलाड़ी को समाप्त करती हुई देखने को मिल पा रही है। टीम नंबर 3 बैक टू द लॉबी जा चुके हैं, फिलहाल टीम नंबर 3 यहाँ पे मैन डिसएडवांटेज पहले क्रिएट हुआ और उसके बाद बैक टू द लॉबी, लेकिन फिलहाल दोस्तों ये आज का आखिरी मैच, देखो जितना ज्यादा चैट चलेगा उतना ज्यादा मेरा खतरनाक कास्टिंग मिलेगा आपको, तो हैशटैग लगाओ, जलवा दिखाओ, कहडाओ और चैट में मचाओ पूरा बारिश कर दो हैशटैग्स की, ठीक है। फिलहाल आज का ये आखिरी मैच, एक सेकंड दोस्तों मैं आया, ठीक है, एक सेकंड बस मैं अपना फोन लेते हूँ वाला,
Triple kill. Okay, I'm back. Hawkeye back to the lobby जा चुके दोस्तों. Akatsuki official के द्वारा. Hawkeye को back to the lobby भेजा जा चुका है. A2 भैया A2 esports team को दिखाओ. बिल्कुल दिखाएंगे, रुक जाओ, wait करो. अभी तो आया हूँ मैं. लेकिन Akatsuki official को भी यहाँ पे दो बड़े झटके लग चुके हैं. आखिरी दो खिलाड़ी IIKNs की ओर से भी सिर्फ दो खिलाड़ी A2 esports, लेकिन यहाँ पर 3-2-5-6 किल कर चुकी है. और ये जोड़ लीजिए 7 किल. सामने एक और बंदा, ये जोड़ लीजिए 8 किल. बैक टू बैक किल पॉइंट्स आते हुए टीम के खाते में काफी शानदार तरीके से. A2 esports का यहाँ पे डबल, दो किल थंडर का, दो किल DL का, एक किल रे का एंड 3 किल यहाँ पर RD के द्वारा. और RD बिल्कुल बेखौफ बेडर होकर खेल रहे हैं अपनी टीम से 200-300 meters दूर. शायद उनको एक नया जीवन दान मिला है जिसका वो लुफ्त उठाना चाह रहे हैं. फिलहाल यहाँ पे IITNs आगे बढ़ते हुए एक किल के साथ. A2 esports ने इस बार अच्छा कमबैक कर दिखाया आज के इस आखिरी मैच में, फाइनली मचाया है. और 3 किल और RD का 4 किल जोड़ लीजिए तो हो गए 7, और इन दोनों के मिला के हो गए टोटल 10 किल पॉइंट टीम A2 esports के नाम. पांचवें मैच, आखिरी मैच के अंदर बहुत ही शानदार कमबैक टीम के द्वारा, अलग ही लेवल का कमबैक टीम के द्वारा. फिलहाल यहाँ पे कई टीमें ऐसी जो बैक टू द लॉबी जा चुके. एक बार मैं आपको शुरू से समझा देता हूँ दोस्तों. हाँ, लेकिन Akatsuki के मोनू को यहाँ पे मारने का काम किया है A2 esports ने. A2 esports के लीजिए एक और किल जोड़ लीजिए A2 esports की ओर से. फिलहाल Akatsuki ऑफिशियल को एक बड़ा झटका लगता है. मोनू 04 को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है, और लेकिन उनको सही वक्त रहते रिवाइव मिल चुका है. गॉड esports 0 किल के साथ इस बार प्लेसमेंट पॉइंट के लिए खेलती हुई नजर आ रही है. ब्रो फोरेस्ट ऑर्डर किक कैसे हो गई? किक नहीं हुई है मेरी जान, किक नहीं हुई है. उन्होंने बैक किया होगा. कैनिची, धोनी, डेविल, जतिन यहाँ पे मौजूद. अगर वो किक हुए हैं तो शायद उन्होंने चैट में खूब लिखा होगा इंग्लिश हिंदी, इसलिए शायद वो किक हुए होंगे. कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? होप यू अंडरस्टैंड. थोड़ा कायदे में रहना चाहिए तभी फायदे में रहोगे आप. सहना चाहिए, सहोगे नहीं तो बढ़ोगे आगे कैसे. लेकिन फिलहाल यहाँ पे Akatsuki बनाम A2 esports का ये मुकाबला छिड़ चुका है. A2 esports के RD को समाप्त कर दिया जा चुका है. DL, Thunder, Ray, last 3 men surviving from the team side. Akatsuki official यहाँ पर आ चुकी है, धरना देने के लिए तैयार हो चुकी है. सबसे ऊपर मोनू भाई. ले भैया उम्फो, अब क्यों ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ से A2 esports का खात्मा हो सकता है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन देख लेते हैं. RD को तो रिवाइव दिया जा चुका है और वो खूब दूर भी जा रहे हैं. DL, Thunder, Ray यहाँ पे Akatsuki official बना A2 esports सामने खिलाड़ी को नॉकडाउन करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं. मोनू, और मोनू को मिल चुके सफलता. बहुत ही बेहतरीन हेडशॉट, ओनली रेड, सीधा हेड देने का काम किया है मोनू ने यहाँ पे. एक किल इसके खाते में आता हुआ टीम के खाते में. टोटल एक और किल जोड़ लीजिए, दो किल, डबल किल यहाँ पे. यानी कि A2 esports के थंडर और रे दोनों समाप्त हो गए. अब DL इकलौते उस इलाके में मौजूद है खिलाड़ी. DL बैक ऑफ तो नहीं कर सकेंगे, पक्का हो गया. अब समाप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बस एक बड़ा सवाल है. DL देखना होगा क्या यहाँ से बैक ऑफ कर पाएंगे, क्या यहाँ से समाप्त होकर दिखा पाएंगे. लेकिन इसी बीच यहाँ पर खूबसूरत नॉक निकालने का प्रयास किया और वो किल अपने खाते में लिया. और किस तरीके से प्रोन कैरेक्टर का यहाँ पर इस्तेमाल किया ये आप देख सकते हैं दोस्तों. अनबिलीवेबल गेम प्ले यहाँ पर DL के द्वारा. खूबसूरत शॉट और मिलेगा एक किल. एक एक किल बहुत मायने रखने वाला है दोस्तों आज टीम के लिए. ये ओ हो एक और किल क्या आ सकता है, क्या एक और किल आ सकता है, देखना होगा. एक और किल शायद आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है. गन इनकी गलती से स्विच हो गई है. अपनी बंदूक क्या यहाँ पे बदलेंगे, और अगर बंदूक बदलेंगे तो सुरतार भी बदलेंगे. पकड़ ली शॉटगन पकड़ ली है. वापस से DL के हाथों में आ चुकी है उनकी फेवरेट वेपन टू शॉट एन M1887.
अकात्सुकी ऑफिशियल के वो हिला के रख डाला था बिल्कुल, लेकिन वापस से एक नया जीवन दान दे दिया गया उनको। लेकिन यहाँ पे आईटीएंस की भी एंट्री हो रही है क्या भैया? काजू भाई इलिमिनेट हो गए हमारे, मोनू भाई आसमान में गोलीबारी करने का प्रयास कर रहे हैं, नीचे गिर चुके हैं लेकिन मोनू भाई लेकिन मुश्किलों में फंसे हैं थोड़ा सा। लेजेंड वहां से निकल चुके, मोनू नॉक हो गए, फ्रैंक अभी भी मौजूद, फ्रैंक बनाम डीएल हमें देखने को मिलेगा क्या यहाँ पे? लग तो ऐसा ही रहा है। मिल गया 1v1 का मुकाबला। दोस्तों कृपया ध्यान दे, ये बेहतरीन मुकाबले के अंदर अपनी नजरें जमाए बैठे हैं, लेकिन फ्रैंक का खूबसूरत शॉट, फ्रैंक को मिलेगा एक किल और टीम को A2 Esports को मिलेगा एक नॉक। ये जब बेस्ट वर्सेस बेस्ट होता है ना तो ऐसा ही होता है यार, एक इनका मरेगा तो दो उनका मरेगा, दो उनका मरेगा तो इनका तीन मरेगा, इसी प्रकार का होता है ये मुकाबला। लेकिन आकाश ऑफिशियल चालाकी दिखाई, अपने दो प्लेयर्स को, तीन प्लेयर्स को इनफैक्ट बैक टू बैक रिवाइव देने का काम कर चुकी है अकात्सुकी ऑफिशियल। अकात्सुकी ऑफिशियल के खाते में फिलहाल 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13 किल्स आ चुके हैं। A2 Esports के बाद 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12 किल्स आ चुके हैं, यानी कि A2 Esports कॉम्पिटिशन अवश्य दे रही है, बढ़िया देखना होगा फिलहाल। ओ जोरदार फटका यहाँ पर अकात्सुकी के काजू को सीधा उठा के है फटका, ओ माई गॉड थंडर बट यहाँ पे सोलो मैनी, वही दूसरी ओर 12 खिलाड़ी मात्र मौजूद आज के इस मुकाबले के अंदर। और गॉडी स्पोर्ट्स बुइया करेगी क्या भाई? गॉडी स्पोर्ट्स के खाते में 2 किल आ गए हैं और चारों खिलाड़ी जिंदा हैं, अकात्सुकी ऑफिशियल के सिर्फ 2 खिलाड़ी वापस से रह गए जिंदा। IITians की बात करें तो मैनी भाई अकेले, मैनी भाई उसके लिए बढ़ चुकी है, सुपर मेडिकेट है, 13 HP 12 HP 7 HP, वापस एक मौका निकल जाने का, यहां से निकलने का प्रयास हुआ सफल, लेकिन ये तो गलत हो गया, ये क्या हो गया, एक गोली लगी की और हो जाएगा काम तमाम इनका तो। लेकिन डबल स्नाइपर मैनी के पास, A2 थंडर सोलो सर्वाइवर, एलएन बॉटी भी यहाँ पे मौजूद है, एलएन एक प्लेयर को नॉकडाउन निकाला है डेडलॉक ईस्पोर्ट्स की ओर से, जी गाइस बिल्कुल। बॉटी यहाँ पे मौजूद, बॉटी 7 किल के साथ, अकात्सुकी के ओर से लेजेंड समाप्त, काजू समाप्त हो चुके हैं, अब तो मात्र रह गए तो मोनू और फ्रैंक जीवित, यानी कि गॉड ईस्पोर्ट्स मैन एडवांटेज में, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी मैन एडवांटेज जो है वो गॉड ईस्पोर्ट्स के पास मौजूद। लेकिन दूसरी ओर यहां पर थंडर अभी भी सोलो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन डेडलॉक ईस्पोर्ट्स, ओ माय गॉड, मोहित अल्ताफ, एलन बॉटी यहां पे मौजूद, ये खिलाड़ी यहां लिंक है, यहां से ज्वाइन कर हॉकाई सर्वर, हाँ कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा लिंक। फिलहाल दोस्तों सब लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लोग सब्सक्राइब कर दो, गो फॉर 100 लाइक्स एवरीबॉडी इफ पॉसिबल। लेकिन फिलहाल इम्तियाज IITians की ओर से सोलो सर्वाइव, अकात्सुकी ऑफिशियल की ओर से फ्रैंक कर रहे हैं सोलो सर्वाइव, तो सोलो सर्वाइवर तो काफी ज्यादा है। लेकिन यही दूसरी ओर यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि A2 Esports के थंडर का यहीं पर होता हुआ समापन, बैक टू द लॉबी भेजी जा चुकी है A2 Esports की टीम #5 पे, और यहाँ पे अब 9 खिलाड़ी मात्र मौजूद आज के इस मुकाबले के अंदर दोस्तों। अब वो आखिरी घड़ी आ चुकी है, आखिरी मुकाबला हमें देखने का वक्त आ चुका है, और देखते हैं। और सुनो, जो रिजल्ट होगा वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, डिस्कॉर्ड सर्वर पे पोस्ट कर दूंगा, साथ ही साथ हॉकआई के हो सकेगा तो कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। और अगर कहीं नहीं पोस्ट करूंगा तो मेरा खुद का एक इंस्टाग्राम पेज है, कुछ भाई बंधु अपने उधर जुड़ रखे हैं, A2 गेमर नाम से, छोटे लेटर में लिखोगे आप लोग A, लिखोगे 2 और गेमर, मैं कमेंट में दे दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, आप लोग उसको फॉलो करके रख लो, नहीं होगा तो कहीं नहीं पोस्ट पड़ेगा तो मैं वहां जरूर से पोस्ट डाल दूंगा, ठीक है। देखो आपको चैट में मिल जाएगा, मैंने लिख दिया A2 Esports करके, A2 गेमर नाम से, A2 गेमर नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, पीछे अंडर स्कोप लगा लीजिएगा मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल ये मुकाबला दोस्तों, मात्र 7 खिलाड़ी मौजूद आज के इस मुकाबले के अंदर, तो रिजल्ट देखना है तो सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करके रखिए कि कौन जीता ग्रैंड फिनाले। लेकिन 7 खिलाड़ी मात्र मौजूद आज के इस मुकाबले के अंदर दोस्तों, डेडलॉक ईस्पोर्ट्स की ओर से 3 खिलाड़ी मौजूद, यहाँ पे बेहतरीन टक्कर देती हुई टीम गॉड ईस्पोर्ट्स को, 3 vs 3 vs 1 का ये मुकाबला। इम्तियाज 19 भाई हमारे सोलो सर्वाइव कर रहे हैं आज के इस मुकाबले के अंदर। लेकिन दूसरी ओर धोनी, केनिची, जतिन मौजूद रहने वाले हैं यहाँ पे फिलहाल, केनिची, धोनी, जतिन, तीनों खिलाड़ी मौजूद आज के इस मुकाबले के अंदर।
केनजी धोनी सामने मौजूद सभी खिलाड़ी इनके बेस्ट वर्सेस बेस्ट का ये मुकाबला डेडलॉक ई स्पोर्ट्स बनाम क्वाड ई स्पोर्ट्स एंड आईआईटीएंस की ओर से इम्तियाज के ऊपर हमला करने का बैक टू बैक प्रहार और प्रयास कर रही है टीम पर सामने जाते हुए खिलाड़ियों को ओ जी मिल गया किल जी 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 ये किल तो अरे नहीं मिला ओ माय गॉड आईआईटीएंस जा चुके हैं हैशटैग 3 पे बैक टू द लॉबी मोहित भाई नॉक गिरे पड़े हैं लेकिन उनको कोई रिवाइव नहीं कर सकेगा अब तो बॉटी और अल्ताफ लास्ट मैन सर्वाइविंग गॉड ई स्पोर्ट्स से क्या कर पाएगी भूया क्योंकि ये मुकाबला अब 2-2 का रह गया मेरी जान को समाप्त कर दिया गया लेकिन अब तो अल्ताफ भाई की एचपी बहुत कम है और 1-2 का ये मुकाबला धोनी आ चुके हैं शॉट लगाएंगे फाइनल शॉट लगाएंगे और इसी के साथ मिलेगा किल यहां पर गॉड ई स्पोर्ट्स को आज के इस 5वें मैच के अंदर फाइनल मैच के अंदर दोस्तों तो दिस वाज ऑल फॉर दिस इवनिंग आज का ये हॉकआई प्रीमियर लीग सीजन 1 द ग्रैंड फाइनल होता है दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे समाप्त है फाइनली आज के इस आखिरी मैच के अंदर गॉड ई स्पोर्ट्स को मिल चुका है बूया 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 टोटल 13 किल पॉइंट के साथ सेकंड नंबर पे आइए डेडलॉक ई स्पोर्ट्स यहाँ पर 10 किल के साथ और तीसरे पे आईआईटीएंस आइए 3 किल के साथ अकादसुकी की ऑफिशियल यहाँ पर रहने वाली है टोटल 15 किल के साथ चौथे नंबर पे A2 e-sports यहां पर हमें देखने को मिल पा रही है 12 किल के साथ 5वें नंबर पे और 6वें नंबर पे रहने वाले हैं अभी द एटम्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये लोग भी यहाँ पे 6 किल के साथ हैं बाकी की टीमें आप देख सकते हो हॉकाई 3 किल के साथ 8वें नंबर पे है तो कुछ इस प्रकार का रहा दोस्तों आज का ये लाइनअप आज का ये मुकाबला फिलहाल दोस्तों दिस वाज ऑल फॉर दिस सीजन अब रिजल्ट क्या है जीता कौन है ये सारी चीजें जानने के लिए आप सभी लोग हमको फॉलो कर लीजिए कमेंट में तो नहीं डिस्क्रिप्शन में कोई अगर मॉड देख रहा है स्ट्रीम को तो लिंक डाल दो मेरे चैनल का या इंस्टाग्राम का फिलहाल दोस्तों आपको जो रिजल्ट रहेगा वो आप लोगों को हमारे यूट्यूब पे शायद कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिल जाए वरना डिस्कॉर्ड पे तो 110% आपको देखने को मिलेगा तो रिजल्ट कौन जीता 2500 रुपये ये देखने के लिए आप लोग जरूर से रिजल्ट का इंतजार करेंगे मुझे पता है फिलहाल जिसने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो गाइस और कैसा लगा आप लोगों को मेरी कमेंट्री मेरी कास्टिंग कमेंट में ज़रूर बताना होप करता हूँ आप लोग अपना एक एक वर्ड मेरे कमेंट्री के लिए और इस सीज़न के गेम प्ले के लिए अवश्य दोगे चैट में लेकिन फिलहाल दोस्तों ये सीज़न होता है इसी के साथ यहाँ पर समाप्त हॉकी प्रीमियर लीग सीज़न 1 का ग्रैंड फिनाले का समापन हम आप सब लोगों के साथ यहाँ पर आप सबकी मौजूदगी में कर रहे हैं इन 12 टीमों के साथ बहुत अच्छा रहा आज का ये दिन आज बैक टू बैक 3 मैचेस में अकादसुकी ने बूया करा एक में डेडलॉक ई स्पोर्ट्स ने करा एक में आखिरी में कहीं ना कहीं यहाँ पे गॉड ई स्पोर्ट्स ने बूया करा तो कुछ इस प्रकार का आज का ये मुकाबला रहा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगा चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी मिल जाएगा मेरे चैनल का भी लिंक मिल जाएगा सब सब्सक्राइब करके रख लो फॉलो वॉलो करके रख लो जो भी करना है जैसे भी करना है फिलहाल मैं इंस्टाग्राम जो आईडी है मेरी जो सर्च करोगे आप तो आपको मिल जाएगा वो मैं कमेंट बॉक्स में लिख के पिन कर दे रहा हूँ आप लोग उसको फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे कहीं नहीं रिजल्ट आएगा ठीक है रिजल्ट कहीं नहीं पड़ेगा तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैं डाल दूंगा ठीक है चलो बाकी दिस वॉज ऑल फॉर दिस सीजन दोस्तों आपको अगला सीजन क्या चाहिए फुल मैप या क्लैश स्क्वाड हम 30 सेकेंड तक और इंतजार करेंगे फटाफट से वोट करो कमेंट में हमने पोल डाल रखा है फुल मैप या क्लैश स्क्वाड जल्दी से वोट कर दो फटाफट से कि आपको फुल मैप चाहिए या आपको क्लैश स्क्वाड चाहिए हम आपके पोल के रिजल्ट के हिसाब से ही अगला सीजन शायद हो सके तो करवा दे बट फिलहाल दोस्तों सॉरी लवली सपोर्ट गाइज आई रियली मीन्स अलॉट इट रियली मीन्स अलॉट टू मी फिलहाल अब मैं A2 गेमर आपका भाई मिलूंगा शायद किसी अगली वीडियो के अंदर अगले लाइव स्ट्रीम अगले सीजन के इवेंट के साथ फिलहाल दिस वॉज ऑल फॉर दिस इवनिंग दिस सीजन मैं A2 गेमर मिलता हूँ आप सब लोगों से अगली बार टिल द थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स फॉर लवली सपोर्ट दोस्तों बहुत प्यार मिला आपके उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों ठीक है समझ रहे हो ना चलो अगली बार मिलेंगे दोस्तों चलो लव यू थैंक्स इंस्टा सब जगह फॉलो करके रख लेना मिलेंगे अगली बार चलो बाय बाय लव यू ऑल टेक केयर गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड नाइट हैव अ स्वीट ड्रीम एवरीबॉडी Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we
Through the highways, till my shadow turns to sun rays.